Oops. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो सर, हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार? सर्दी हो गई है, मैंने कहा यार आज, कल प्रॉमिस किया था मैंने, और कल लाइट की वजह से मैं नहीं आ सका। सो होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे मुल्कों में ऐसे होता है। हाँ जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? वीडियो ठीक आ रही है? अगर आ रही है तो यस लिखें जी, और साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। कितने लोगों ने लाइक किया अभी तक? किसी ने भी नहीं किया। फॉलोइंग यू, loved watching your video, inspiring, thank you so much, it's really matter to me. मैं ईरोजगार के कौन से सेंटर में पढ़ाता हूँ? उकाड़ा सेंटर में, ठीक है। एंड अभी ईरोजगार की बातें रहने देते हैं, बिकॉज वी डोंट अलाउ नहीं है जी हमें ईरोजगार के बारे में बात करना किसी और प्लेटफॉर्म पे। सो ये We cannot talk जब तक वो हमें खुद नहीं अलाउ करते। Lots of love and respect from Bangladesh, sir. Thank you so much. Where should I send my portfolio? Okay. Comments मेरी community tab में है, एक post मैंने की थी, ठीक है, YouTube के चैनल की कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट है, वहां पर जाके आप कर लें। प्लस यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, आप मुझे इंस्टाग्राम के जाके, बल्कि मैं कम्युनिटी टैब में ना एक ऐड कर रहा हूं अ पोस्ट, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। के लिए और कुछ लोगों के आए भी हैं और कुछ के अभी आएंगे और, ठीक है। लेट मी चार्ज माई सेल, आई नो कि ये कुछ हैवी सीन होने वाला है आज, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके जी, वे शुड आई सेंड माय पोर्टफोलियो, मैंने आपको बता दिया जी। एंड नेक्स्ट है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप जाके मेरी वीडियोस चेक करें, ठीक है। एडमिशन जो लेना है वो फिर आपको उकाड़ा का रिहायशी होना चाहिए या इर्द गिर्द के इलाकों में, खैर आप अप्लाई कर लो अगर मेरी सुपरविजन में पढ़ना है, क्योंकि मैं भी अगला जो सेशन हो वो फिजिकल हो, ऑनलाइन ना हो शायद, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। वीडियोस बनाने के लिए प्रीमियर प्रो सीखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप एक्चुअली कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरी है,
तो प्रीमियर प्रो नहीं आता तो आप कोई और सीख लें, डिविंची रिजॉल्व है, इसके अलावा अगर मैक यूज़र हैं तो कट प्रो सीख लें, वीडियो कट प्रो है शायद वही नाम है इसका, या कोई और है शायद, चलें जो भी है। खैर मैं आपको डिविंची रिजॉल्व है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, इट्स सिमिलर टू प्रीमियर प्रो और मे भी आसान हो उससे, तो आप वो लाजमी चेक करें, ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग जी, कैसे हैं आप। कैन वी एड आर फ्रीलांसिंग सर्टिफिकेट और एनी अदर स्किल सर्टिफिकेट ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म? यस यू गाइस कैन ऐड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बड़े क्यूट लग रहे हैं जी, थैंक यू जी, थैंक यू, आई एम वेरी बीमार जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लोगों के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं जी? ये मेरे दो तीन पूरे पूरे वीडियोस पढ़ें, आप वो जाके देखें। कौन सा माइक है? डायनामिक माइक, डायनामिक माइक है जी, कोई भी ले लें वर्क करेगा। सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने एज ए ग्राफिक डिजाइनर तो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं जबकि एक्सपीरियंस भी नहीं है और कोई ऑर्डर भी नहीं मिला, तो इसका यार मैं मिशाल खान, अच्छा मिशाल इसका जो है या तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर या आप कह सकते हैं आपको डेमो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको डिटेल से एक वीडियो बना दी जाए किस तरह आप डेमो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और किस तरह आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। हिमांशु सर मैंने कॉमेंट किया, आप चेक कर सकते हैं जी, मैं चेक करता हूँ जी, अभी चेक करता हूँ एंड देन इंस्टाग्राम भी खोलते हैं। अभी मेरे पास रात की एक लिस्ट पड़ी है पोर्टफोलियोज और उसकी, तो वो मैं पहले देखूंगा एंड देन ठीक है जी, सेंड यू अ मैसेज। तरतीब से देखूंगा ठीक है जी। नए वाले डिजाइनर के लिए कुछ बताएं पलाब खान, आप ऐसा करें ना, पहले सॉफ्टवेयर लर्न करें, फिर आप स्किल्स लर्न करें और फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएं, इससे पहले आना गलत होगा। ठीक है, आप कुछ पैसे कमा लेंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑर्डर आ जाएंगे थोड़े प्रो लेवल के होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो वहां पे आप जाके फंसेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं पहले कहता हूँ आप स्किल्स पे वर्क करें, सॉफ्टवेयर सीखें स्किल पे एंड देन आप फ्रीलांसिंग की तरफ आए। हेलो सर, नितेश फ्रॉम इंडिया यूट्यूब, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आज तो बस सुस्ती पड़ी है, सर्दी भी बहुत है तो फुल कवर्ड हो के आए हैं। आपका जब नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करता यार, मैंने क्या करना है, तो क्लाइंट से बात करता हूँ सबसे पहले कि मुझे क्या रीज़न थी, व्हाट यू डिडेंट लाइक अबाउट माय डिज़ाइन, सो वो बताता है मुझे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सकूं। और मैं उससे ये नहीं पूछता कि आप रिवाइव कर दो या कोई ऐसा कुछ चक्कर कर दो मेरे फीडबैक के साथ, क्योंकि वो पूछना गलत है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप ऐसी हरकत नहीं करनी। बस यू गाइज कैन आस्क मेरी गलती क्या थी इन डिज़ाइन, वो भी एक लड़के नहीं खूबसूरत और प्यार भरे अंदाज से, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सको। मॉडल नहीं है उस्मान, कोई भी आप बाजार में जाओ यार, बाजार से आप कोई लोकल डायनामिक माइक ले लो, ये भी लोकली समझ लो है, ठीक है, इट्स अ कॉपी ऑफ सेम सम ब्रांड। सर मुझसे लोगो अच्छा नहीं बनता, लोगो बनाने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है, एक तो आपके पास इंस्पिरेशन की गैलरी इधर बहुत ज्यादा स्टोर होनी चाहिए, कौन सा सिंबल कैसे बनेगा एंड कौन से टॉपिक के ऊपर कैसा सिंबल बनाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, कीप प्रैक्टिसिंग। वेयर टू सबमिट पोर्टफोलियो कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाली है और वो आप इंस्टाग्राम को मुझे लिंक दिया वहाँ पे फॉलो कर लें और मुझे आप वहाँ पे मैसेज कर दें, मुझे रिक्वेस्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर तक अभी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फाइवर टेस्ट और यार एज ए ग्राफिक डिजाइनर तो कोई फायदा नहीं है, मसलन
अगर आप राइटर हैं तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देना लाजमी हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश का टेस्ट है और इस तरह के टेस्ट। तो बाकी तो बस एक नॉर्मल है, एक आप कह सकते हैं कि अथेंटिसिटी बढ़ती है थोड़ी बहुत, कि कस्टमर को पता लगता है कि ये टेस्ट इसने पास किया हुआ है, इज लाइक बस स्किल्ड है, दैट्स ऑल। मेरे लिहाज से सॉफ्टवेयर में स्किल यानी सॉफ्टवेयर आना इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्किल उसमें आना या उससे चीज़ें बनाना। तो फोकस ऑन मेकिंग समथिंग विद दैट सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ लर्निंग दैट सॉफ्टवेयर या टूल्स वगैरह आना शुरू हो जाए, ठीक है। हाँ यार, और हाँ सर आपकी हेल्प से मैं लेवल 1 सेलर बन गया यार, दैट्स ऑल, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। और इंशाल्लाह इस बार मैं भी लेवल 1 ही होऊंगा, लेवल 2 से लेवल 1 हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था फाइवर पे और उन्होंने कहा कि आपका रिस्पांस रेट नहीं ठीक, तो 88% हुआ पड़ा। सर एक सुपर इफेक्टिव पोर्टफोलियो कैसे बनाए? मेरा वर्क काफ़ी पड़ा है, इवन थ्रू मैं दो मैंने अपनी एक साइट भी बनाई हुई है, बट 8 इफेक्ट वेरी मच, तो कोई इफेक्ट पोर्टफोलियो का बता दें। देखें, इफेक्टिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू हैव टू वर्क हाउ यू शुड प्रेजेंट योर वर्क, दैट्स ऑल, ये इसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लेन प्लेन अपना काम लगा देते हैं, देर आर प्लेंटी ऑफ मॉकअप्स इन मार्केट जो फ्री में भी अवेलेबल हैं और पेड भी हैं, आप वो यूज़ करें, उसके थ्रू अपना काम प्रेजेंट करने की कोशिश करें, यू विल गेट मोर अटेंशन, वो आप खुद फील करेंगे कि लोग आपके बारे में अच्छा व्यू रखना शुरू हो गए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं फ्रीलांसर करना चाहता हूँ, बता सकते हैं कुछ टिप्स एंड प्रो टॉप्स। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए आपको पहले स्किल ढूंढनी है अपने आप में कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं या क्या चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। मसलन आप एक पहले जहन ये बनाए कि जब आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है तो जो कस्टमर होगा आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और अच्छे तरीके से करना है ताकि वो आपको पे कर सके। अगर आप इस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं है अभी तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप इस काबिल हो जाते हैं कि उसकी कोई डिज़ाइन चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसकी चीज़ बना के दे सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, देन यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अच्छा जी, तो हूँ प्लीज फ्रीलांस करना चाहता हूँ। सेंटा क्लॉज वाली कैप क्यों पहनी है यार? अगर आपकी आंखों में कुछ है, ऐनक शैनक नहीं लगाई तो गौर से देख लें, ठीक है। इट्स नॉट सेंटा वाली, इट्स नॉर्मल कैप, ठीक है जी। सो मैं बस आपको यही रिप्लाई करना चाहता हूँ, यस आई एम रूड। सर कैन आई डू मैनी कोर्सेज दैट कैन एनेबल मी टू स्टार्ट अर्निंग अर्ली, शुड आई ऑप्शन फॉर ट्रेडिशनल रोड फॉर डिग्री एंड अ कन्वर्शन बैड 9-to-5 जॉब? बेसिकली आई प्रेफर कि आप पहले तो डिग्री ले लेना, आपके पास डिग्री तो होना कि आप समझ सकें कि वो लिखा क्या हुआ है या कोर्सेज के अंदर क्या है, ठीक है। नहीं इंग्लिश हो थोड़ी बहुत अच्छी, आपको टर्म्स समझ आ जाएँ कि वो क्या बोल रहा है, देन यू गाइस कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज और ट्रेनिंग्स। देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेंटर्स जो कि ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे बाकी आपको आ जाएगा 9-to-5 जॉब, 4 एक्सपीरियंस इज बेटर। लाइक मैं खुद जब भी जॉब की है, जितनी बार भी अप्लाई किए किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, वहाँ का इन्वायरमेंट देखने के लिए, टू लर्न फ्रॉम देम के हाउ टू मैनेज टीम्स एंड सो ऑन। बाकी वहाँ भी बैठ के मैं 24 घंटे जेन में यही रहता था कि कस्टमर को काम कैसे डिलीवर करना है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ये वो सारा। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर मैं पहले आप स्किल सीख लें, डिग्री ले लें, स्किल सीख लें, देन यू शुड कम टू दीज प्लेटफॉर्म्स, ये आपको वेलकम करते हैं खुद ही, काम आपका अच्छा है आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रो करवाते हैं, नहीं अच्छा तो बैठे रहेंगे। कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट बताएं जहां ज्यादा सख्ती ना हो? यू शुड गो बैक लाइक 6-7 साल पहले पीछे चले जाएं, किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी सख्ती नहीं थी, ये सख्ती हम खुद लेके आए हैं घटिया हरकतें करके और अजीब अजीब सी सिचुएशंस लाकर,
दो दो अकाउंट, तीन तीन अकाउंट, दस दस अकाउंट बना के रख लेना, और इसके अलावा फेक रिव्यूज ले लेना, कस्टमर के पैसे लेके भाग जाना, फ्रॉड करना, एक दूसरे के साथ फ्रॉड करना, ये सारी चीजें हमने खुद पैदा की हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, लाइक एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, देयर आर सिवरल इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग वो वाले भी जहाँ से हमें कस्टमर्स मिलते हैं, यूएसए, यूके वगैरह। तो ये चीजें खुद हमने, इंसान ने खुद तैयार की हैं कि ये सख्त ना हो, वरना तो ये बड़े खूबसूरत और प्यारे प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि 99 डिजाइंस एंड सो ऑन। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं फाइबर पर काम करना चाहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में, तो वहां पर इंटरनेशनल इंग्लिश बोली जाती है। देखें, आपको कोई भी नहीं कहता कि आप फेस टू फेस आके बात करें मेरे से इंग्लिश में, ठीक है। रिटन इंग्लिश होती है और वो बेहतर हो जाती है जैसे जैसे आप किसी से चैट करना शुरू करेंगे। अपने भाई को कहें मेरे से चैट किया करो व्हाट्सएप पे, यू कैन लाइक मेक फ्यू फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, और क्लास फेलोज जो हैं आपके उनको कह दें कि आपसे बात करें, तो इस तरह आपकी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस तरह इंग्लिश अच्छी होती है, और कुछ नहीं चाहिए होता। मसलन फ्रीलांसिंग में कोई इतनी हाई क्लास वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती, क्योंकि ऐसा वर्ड आ जाए सामने अचानक कि आपको मतलब ही ना समझ आए। और अगर ऐसी बात है, कोई आ जाता है एक आधा, कोई फार्मा का क्लाइंट आया था, कोई ऐसी मेडिसिन का नाम ले लेता है जो आपके समय, तो गूगल है, गूगल कर लें। अच्छा जी, मेरी वन मंथ से गिग ऐसे भी कीवर्ड शो नहीं हो रहा, मैंने टैग्स भी एडिट किए पर अब 3 out of 5 शो होइंग। सो इस वेट करें, दोबारा अपीयर हो जाएंगी। इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि जी गिग एडिट कर लो, इमेज एडिट कर लो, ये वो, तो यार वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो वेट फॉर देम, उसका टाइटल नहीं चेंज करना, बाकी चाहे आप पंगे लेते रहें, दे विल कम बैक, ठीक है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा जी, आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है बट योर फॉन्ट का मसला बहुत है, वो सॉल्व करवाएं, तो वो इंशाल्लाह टाइपोग्राफी के रेलिवेंट वीडियोस में ले आऊँगा। तो काफ़ी हद तक आपको वैसे भी यूट्यूब पर भी काफ़ी मिल जाएंगी वीडियोस ऐसी, तो उधर आप देखती रहा करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा काम। 4.3 फीडबैक सही है, मुझे एक लड़की ने दिया और कहती है सब कुछ ठीक है, तो बस वैसे ही ऑर्डर दे दिया उसके, यूएस की थी। चलें जी, कोई बात नहीं, सही है, बस थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रोफाइल के ऊपर, रेटिंग के ऊपर, तो वो चलता है, इतना तो चल ही पड़ता है, क्या करें। मैं अपना पेन अकाउंट बनाने के लिए उसमें अपना मदर का CNIC डिटेल और उनका बैंक अकाउंट नंबर डाल के बना सकती हूँ। आप अपना बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपने बनाना है तो उन्हीं का नाम यूज़ करें, उन्हीं का बैंक अकाउंट और उन्हीं का CNIC यूज़ करें, और हो सके तो जहाँ जहाँ पे आपने साइन अप करना है उन्हीं के नाम से ही साइन अप करें तो बेहतर है। शाउट आउट ले लें जी, अवैस यूसफी को शाउट आउट दे रहा हूँ जी, आप जाके अगर ये चैनल है इनका तो देखें सर क्या ये दे रहे हैं। फाइबर कोर्सेज लाने से एनी बेनिफिट बैज? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत, आपको मैंने पहले भी बताया था कि विजुअली अच्छे लगते हैं आप, मैं बता दूं कि आपके स्किल ऐड करेंगे फोटोशॉप में तो वहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कोई नहीं, इतना कोई रैंकिंग वगैरह में कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपके गिग के ऊपर भी नहीं लिखा आता कि ये फोटोशॉप की स्किल्ड कोर्सेज पास है, ऐसा कोई चक्कर नहीं अभी तो, सो इट्स नॉर्मल। चलें जी, अभी थोड़े से और क्वेश्चन लूँगा, फिर हम जो है अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सर, फ्रीलांसिंग से बंदा सोशली कट ऑफ होके रह जाता है, नो टाइम इवन फॉर ओन सेल्फ, क्या ये सही है? ह्यूमन नेचर डिफरेंट, मैन इज सोशल एनिमल। कुछ हद तक बात आपकी ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज के मुझे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स नाउ और हु आर आल्सो फ्रीलांसर्स, तो हर दो तीन दिन बाद हमारा प्लान होता ही है कि हम बाहर निकलें, कुछ खाए पिए, कुछ गप्पे शप्पे मारे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। तो गेम भी चल रही होती है रात को, अक्सर उन सब के साथ गेम भी खेल रहे होते हैं, तो सोशल लाइफ ऐसी इतनी नहीं डिस्कनेक्ट होती जितना आप जो है वो सोच के बैठे हुए हैं। तो यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग, आप एक दफा करेंगे, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही एक कमरे में की लाइफ हो जाती है, आपने खुद ही सेट करना होता। अगर आप एक लाइफ कमरे की लाइफ जीना चाहते हैं तो आप एक कमरे की लाइफ ही रहेंगे,
लेकिन आप चाहते हैं साथ दोस्त भी कंटिन्यू रहे और ये काम भी, तो वो भी पॉसिबल है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। लव यू हो गया जी, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है जी मैंने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सर जी कैसे हैं आप, कहाँ बिजी हैं आपने आजकल? लो जी फरियाद। आप लगता है मेरी वीडियोस नहीं देखते, मैं इधर ही बिजी होता हूँ। मैं आपकी वजह से 50K पर मंथ बनाता हूँ। ओ माई गॉड, थैंक यू यार, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कंग्रेचुलेशन निर्मित राणा, और ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है। देखें, एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनके स्टूडेंट, उनके सब्सक्राइबर्स, उनके पहचानने वाले, मानने वाले उनकी अर्निंग स्टार्ट कर दें, कुछ फ़ायदा उठा लें, तो ये तो कमाल का हो गया यार। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग वर्क, कंग्रेचुलेशन। फर्स्ट टाइम आई वॉच योर वीडियो ऑन GFX Mentor चैनल, नाउ आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच अदील, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू GFX Mentor जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। इंग्लिश नहीं आती और वीडियो एडिटिंग आती है, फ्रीलांस में परेशानी होगी या नहीं? थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी, इतनी सी होगी कि आपको सिर्फ लफज उनसे मैसेज का रिप्लाई करते वक्त होगी कि क्या लिखा जाए। उसके लिए बेस्ट वे ये कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैं आपको कुछ चैट्स दिखा सकता हूँ अपनी, जिसमें मैं सिर्फ यस और नो करके ही क्लाइंट से 60-70 डॉलर में कमा चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ उसने रिप्लाई किया, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क, आर यू अवेलेबल? यस, ओके, व्हाट कैन यू डिज़ाइन फॉर मी? लाइक क्रिएटिव लोगोज, आई कैन डिज़ाइन अ क्रिएटिव लोगो, इतना तो आप लिख ही लेंगे ना। एंड देन उसने कहा ओके हाउ मच, मैंने कहा $60, एंड देन विल यू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड सोर्स फाइल, ये वो, मैं कहा यस। उसके बाद उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ये चीज़ होती है, इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, सबको इंग्लिश नहीं आती, ये कैसे हो सकता है यार? आप देखें, फेसबुक पे हैं, दोस्त हैं आपके, आप उनसे चैट किया करें, उनको कहें यार मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करो, हेजिटेशन खुद ख़त्म करो, फिर हैं। अच्छा जी, आपको हेडफोन वाला मुझे आपने सेंड किया था, इट्स गुड, इट्स नाइस, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। अपवर्क पे आप वीडियो बनाओ ना प्लीज, इट विल हेल्प अस, आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्योंकि मैं मानचु इसलिए नहीं बना रहा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, उस पे मैं वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है। ये लाइक ना इंसाफी होगी ना कि मैं सिर्फ अपनी वीडियोस रैंक करवाने की वजह से या ट्रैफिक की वजह से ये काम करूं, तो वो मेरे लिए नामुमकिन है। थोड़ा फील होता है कि यार आप खुद तो रेगुलर हो नहीं उस प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसे क्या कहोगे, ठीक है। तो अब पे आप वीडियो बना, अच्छा, हाउ प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एक्सेप्ट ऑन 99 डिजाइन, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर भी बड़ा मुश्किल है। हाउ यू नीड अ हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, देन आपको वो अप्रूव होगा। अदरवाइज वो आपको टाइम दे देंगे कि अगले 3 माह या 6 माह के बाद दोबारा अप्लाई करें। बाय द वे, मुझे नहीं पता था एंड मैं आपकी एक वीडियो देखी थी जी, मुझे लगा था कि आप इंडिया से आ पेड कोर्स रखेंगे, बट इस फर्स्ट टाइम रहा लेना सर, मुझे गुरु में आइडियल मेरे भगवान के लिए हो। अच्छा जी, चलें, गुड हो गया जी। इंडिया, देखें, लर्निंग के मामले में मैं इंडिया पाकिस्तान का जो है सीन नहीं क्रिएट करता, सिर्फ मैचेस में करता हूँ, ठीक है ना, क्रिकेट मैचेस में। तो लर्निंग में कोई भी आके सीख ले, चैनल अवेलेबल है जी, कोई बांग्लादेश से है, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई नेपाल से है, ये कंट्रीज हैं जो मेरे टॉप के जा रहे हैं, ये लोग लर्न कर रहे हैं, तो वेलकम है जी, सबको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, इंस्टाग्राम पर फोटो सेंड किया आपको, ठीक है जी, मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। बता नहीं सकते वो मेरे लिए क्या है सर, आपकी लोगो क्लास की वीडियो देखी सर, बहुत कुछ मुझे पता लगा इसमें आंसर, मैं ये चाह रहा हूँ, चाहता हूँ जिस पे आप हमें सिखा रहे हो ना सर, वैसे भी हर किसी को सिखाएं, कि मैं भी किसी को सिखाऊं, ठीक है जी, आप भी चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ जिसके पास कुछ स्किल है, आप अपनी उस स्किल पे चैनल बना सकते हैं। समीरन गोगोई, अच्छा गोगोई,
अच्छा, इसकी ये बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपकी प्रोफाइल न्यू है और आपका जो कम्युनिकेशन या उनको अप्रोच करने का तरीका है वो थोड़ा बहुत ही लाइक समझ ना आती हो उनको के, ठीक है, या रोबोटिक टाइप हो सकता है. सो गो नॉर्मल, और जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं थ्रू इनबॉक्स, यानी उनको जब प्रपोजल सेंड करते हैं कि जी मैं आप लाइक आई कैन. देखें, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंसानी नेचर है कि उसको तारीफ उसकी बहुत अच्छी लगती है. देखिए, जैसे मेरी कोई तारीफ होती है मैं यहाँ पे कमेंट शो करवाता हूँ, तो आपने वो नेचर समझनी है हर बंदे की और उसकी तारीफ करनी है कि आपका क्लाइंट आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा, आपकी कंपनी बहुत अच्छी, आपकी प्रोडक्ट मैंने समझ लिया, आई लव्ड इट, मैं आपको हाई क्वालिटी वर्क दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है, एंड देन आप अपना वहाँ पे कॉल टू एक्शन ऐड करें कि जी मैं अवेलेबल हूँ और मैं आपको हाई क्वालिटी वर्क ऐड करूँगा, लुकिंग फॉर फॉरवर्ड इन वर्किंग विद यू एंड सो ऑन. तो इस तरह मैंने आपको बता दिया की पॉइंट, एक इंसानी नेचर समझा करें थोड़ा सा, हमें नेचर ऐसी है कि तारीफ हर बंदे को पसंद है, ठीक है, थोड़ी सी किया करें. ये नहीं हो गया सर आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये नहीं, इस तरह की तारीफ नहीं कर रहा है, उसकी कंपनी, उसकी प्रोडक्ट और उसकी उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़े अच्छे अंदाज से बताना, तो ये आपकी जो है काफी हेल्प करेगा, ठीक है. अच्छा जी, देर आर सो मैनी क्वेश्चन, नीचे से लेते हैं जी थोड़े से. मैंने डीजी स्कूल का कोर्स किया ग्राफिक डिजाइन का सर, प्रैक्टिस कर रही हूँ ट्यूटोरियल से. गुड, हो गया जी, नाइस नाइस. मुझे अकाउंट चेक करते हैं, आई एम न्यू इन ग्राफिक डिजाइनर. ओके जी, चैनल पर टाइपोग्राफिक डिजाइन कब ला रहे हैं? चैनल पर तो नहीं आएगा जल्दी आएगा, कुछ एक दो ट्यूटोरियल आएंगे उसके बाद मैं आपको वो जो है ना एक सरप्राइज दूंगा. हम पहले उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और फिर उसके, यस बिल्कुल ऐसे ही जी, फिर हम उसकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. पहले तो हम प्रॉब्लम ही बतानी होती है और उसके बाद ही वो उसका प्राइस की बात आती है, ठीक है. यस, 14 इयर्स ओल्ड बॉय कैन वर्क एज ए पेड इंटर्न, बट यू हैव टू लाइक स्किल आनी चाहिए, कुछ उनको दे भी ना बंदा, ये ना हो कि आप सिर्फ बैठे रहें और देखते रहें. या आप, When I was 14, मैं रोता था, ठीक है ना, मुझे कोई बात कर देता था तो मैं रोने लग जाता था, तो वो सिचुएशन ना हो आपके साथ, इसलिए मेरी टोपी सुंदर है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. मिड हो गया है जी, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, मिड हो गया है. लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ट्रेनिंग्स बस आने वाले हैं यार, अभी जो हैं कुछ मसले बने हुए. आई एम वर्किंग ऑन ए वेबसाइट जिसके थ्रू आपको आउटलाइन वगैरह मिल जाएगी, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दैट ट्रेनिंग. तो वेट करें थोड़ा सा. अपवर्क के वेबिनार्स में, अपवर्क के वेबिनार्स अगर तो वो ऑफिशियली वेबिनार हैं तो वो फिर अपवर्क की फीचर्स के बारे में बताएंगे और क्या होता है, यू गाइस कैन, हाउ यू कैन वर्क ऑन अपवर्क एंड सो ऑन. लेकिन वो जो इंटरव्यू करते हैं ना प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए, उसमें आपके अकाउंट के मुतालिक क्वेश्चन पूछते हैं कि कस्टमर ने आपको क्या काम दिया था, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, लोगो डिज़ाइन क्या होता है, अगर आपका पहला प्रोजेक्ट लोगो डिज़ाइन था तो इस तरह की स्किल के बारे में पूछ सकते हैं. प्लस आपकी ईमेल पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी ईमेल से अपना साइन अप किया हुआ है, या भाई इस तरह के क्वेश्चन. सिक्योरिटी का रेलिवेंट नहीं होता क्वेश्चन का, आप पासवर्ड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते वो, ठीक है. ग्राफिक डिजाइनर मीडियम लेवल, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग और छोटी स्किल्स देना शुरू कर दें, जैसे लाइक बैनर हो गया और इस तरह की चीजें, तो आपको अफाका होगा. इमेज एडिटिंग जैसे है, बैकग्राउंड रिमूवल और इस तरह की. लोगो डिजाइन करके दिखाएं जी, लोगो डिजाइन इंशाल्लाह फिर कभी पूरा सेशन लेके आऊंगा लाइव, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ लोगो डिजाइन ही करेंगे. बिहांस पोर्टफोलियो कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आप डेली का काम ऐड करें उसमें, डेली कोई ना कोई आइटम ऐड करते रहें
और फेसबुक पर डिफरेंट जो हैं ग्रुप्स भी हैं पोर्टफोलियो के, ठीक है, बिहांस के, और वहाँ पर उनको ज्वाइन करें, ठीक है। एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बिहांस का जो है, आपको दिखाता हूँ, ये कॉइन है एक मेरे पास ही, everyone was asking कि ये कैसे मिलता, तो इस पे मैं वीडियो बना रहा था लेकिन फिर भूल गया मैं। तो ये आपको फायदा ये होगा, ये देखें, जैसे ये है ना बिहांस का, ये तो आ ही नहीं रहा इसके ऊपर, ये रहा, ठीक है, ये बिहांस का। सो ये किस तरह मिलना है, ठीक है, क्वेश्चन था ये वाला कि ये कैसे मिलना है। तो देर आर सो मैनी ग्रुप्स, लोकल भी आपका कंट्रीज के होंगे, जिसमें फाइवर सॉरी बिहांस मीटअप, ठीक है, आप बिहांस मीटअप में पार्टिसिपेट करें, अपना पोर्टफोलियो वहां पर सबमिट करवाएं जो बिहांस के ऊपर हो, एंड देन यू गाइज कैन लाइक जैसे ही आप करेंगे उसमें से कोई सेलेक्ट होगा आपका पोर्टफोलियो, उसमें से आपको ईमेल आ जाती है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, तो हमने उसको रिव्यू के लिए रखा है जी, आप उनकी जो गैलरी होती है या वहाँ पे वो आके बुलाते हैं आपको, ठीक है, तो वो जाएंगे आप उस इवेंट में, आपको वो काम चेक करेंगे या वहाँ पे बताएंगे कि ये काम है, ये बंदा हमने सिलेक्ट किया है, ही इज़ द विनर, तो आपको ये जो एप्रिसिएशन टोकन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चक्कर है, तो शेयर सम नॉलेज अबाउट 99designs। 99designs तो कॉन्टेस्ट की वेबसाइट है, ठीक है, और मैं अब उस पर काम नहीं करता इतना, बल्कि करता ही नहीं हूँ, कुछ अर्सा पहले करता था, अब छोड़ दिया, ठीक है। तो क्योंकि इट्स गेटिंग टफर एंड टफर, बहुत टफ होता जा रहा है ये कॉन्टेस्ट की है साइट। इसमें एक कस्टमर आता है और वो अपना एक कॉन्टेस्ट वहाँ पे लगाता है, ठीक है, कॉन्टेस्ट या मुकाबला डिज़ाइन के। अब 99designs के ऊपर डिफरेंट लेवल्स के डिज़ाइनर मौजूद हैं, ठीक है, वो उस कॉन्टेस्ट में उनकी ब्रीफ को पढ़ते हुए एंट्रीज बनाते हैं, एंड एंट्रीज बना के उसमें सबमिट करवाते हैं। आफ्टर वीक और टू वीक्स जब उसने विनर सेलेक्ट करना हो, पहले क्वालिफाइंग राउंड होता है, उसमें 5 से 6 डिज़ाइनर वो पिक करता है, फिर उनका आपस में मुकाबला करवाता है 1-2 दिन, एंड देन फाइनली वो आपका जो एक विनर होता है उसका डिज़ाइन पिक करके उसको पैसे दे देता है, ठीक है, आपने फाइल्स हैंड ओवर करनी, फिर आपको पैसे आ जाते हैं, एंड देन यू कैन विड्रॉ। आपने मेरा अपना जो है पोर्टफोलियो सेंड करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाली है, उसको फॉलो करें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यहाँ पे देखें, ये सामने आपके शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं कोशिश करूंगा और ऐसी वीडियोस लेकर आऊं, ठीक है। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड अबाउट ब्रांड एंडी गाइडलाइन, योर वीडियोस आर ऑसम एंड हेल्प अस वेरी मच, कैन वी गेट मोर वीडियोस अबाउट ब्रांड गाइडलाइन, इंशाल्लाह जी जल्दी आएंगी और वीडियोस, टेंशन नहीं लेनी। फोटोशॉप यूज करना आता है एंड लेकिन मैं अपने आइडियाज कन्वे नहीं कर पाता, क्रिएटिविटी का इशू, अगर कुछ हेल्प कर सके तो आप कैसे बेहतर करें खुद को, यार उसके लिए क्रिएटिविटी के लिए ना एक ही वर्ड यूज करूंगा, आपने इंस्पिरेशन लेनी है सबसे पहले, वजाहत, आप लोगों के डिजाइन देखें और उस जैसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है, और शेयर नहीं करने, अपने पीसी में सेव रखने, शेयर करेंगे ना तो आपके ऊपर आ जाएगा ये बंदा कॉपी करता है, तो वो चीज हम नहीं चाहते। जब आप उस प्रैक्टिस के थ्रू गुजरते जाएंगे ना तो आपको चीजें बनाना आ जाएंगी कि अच्छा ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ग्रेडियंट कैसे लगता है, और शेप कैसे मोल्ड होती है, बेंड होती है, इस तरह की चीजें, तो फिर आपको काफी हद तक जो है ना एलिमेंट्स पता लग जाएंगे, बनाना कैसे सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लगती है, प्लस आपके पास बहुत सारी डाटा मौजूद है यूट्यूब के ऊपर जो आपकी हेल्प करता है कि आप कौन सी चीज कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो वो चीजें देखते रहें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो चीज खुद आ जाएगी, आपके अंदर वो चीज ऐड हो जाएगी, वो स्किल, तो आप इजीली बना सकते हैं, मैंने खुद ऐसी की है। हाउ मेनी सॉफ्टवेयर शुड आई नो एज अ बिगिनर, आपके पास 2 सॉफ्टवेयर स्किल काफी है, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। I am graphic designer, but parents suggest me to go for government job. तो देख लें, अगर वो आप उनको अगर कन्विंस कर सकते हैं कोई ऐसी रीजन दे के
तो वो आप उनको रोक सकते हैं। अगर नहीं कि जी आप उनको कुछ करके दिखाएं ना, अपनी ग्राफिक डिजाइन स्किल से कुछ पैसे शैसे कमा के दिखाएं जो गवर्नमेंट जॉब से अच्छा हो, देन वो आप कन्विंस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एवरी पर्सन एवरी पेरेंट वांट्स हिज चाइल्ड टू वर्क एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फायदे हैं ना उसके गवर्नमेंट जॉब के, इसलिए। आर ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड गाइडलाइन सेम? नो, ब्रांड आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई दिखा देता हूँ कुछ चीज, फॉर एग्जाम्पल ओके, ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, ठीक है, अब वो लोगो प्लस ये प्रोडक्ट, वो लोगो और ये प्रोडक्ट मिलके एक कंपनी की आइडेंटिटी बन सकती है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर वो जो बना हुआ है, वो लोगो बना है, वो एक इसकी आइडेंटिटी है कि ये नाइकी का ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो आइडेंटिटी बन रही है, मैकडोनल्ड का लोगो हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दूर से देख के एम को देख लेते हैं, वो एक आइडेंटिटी बन गई ना, तो वो उसके रेलिवेंट जितनी भी चीजें होंगी वो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बनती जाती है। अब ब्रांड गाइडलाइंस ये होगी कि आपने लोगों को गाइड करना है या कंपनी के बाकी मेंबर्स को या जितने भी जो लोग भी उस लोगों को देखेंगे, काम को देखेंगे, उस कंपनी की चीजों को देखेंगे, तो उनको पता हो, स्पेशली टेक्निकल स्टाफ जो है उनको पता हो, या प्रिंट डिजाइन हैं या जो भी जहां भी आपने अपने ब्रांड को शेयर करना है, उनको पता हो कि इनका कलर येलो ही है मेन, फिर व्हाइट आता है, फिर रेड आता है, तो ये गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा इनके स्पेसिफिक फॉन्ट है, इनकी स्पेसिफिक स्टाइल है, इनका स्पेसिफिक कलर है, और ये इन्हीं इमेजेस को मोस्टली यूज करते हैं, इसके अलावा ये नहीं यूज करते, तो ये एक गाइडलाइन बन जाती है उस यूजर के लिए जो क्या कहते हैं कि कोई आपको चीज बना के दे रहा है, या कस्टमर को फील आती है अच्छा यार ये सारी चीजें एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है, ये लाजमी मैकडोनल्ड का ही है, ठीक है, गाइडलाइन एक बन जाती है, दैट्स ऑल। आप इंस्टाग्राम, जो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते वो आप मुझे इधर कम्युनिटी टैब के कमेंट्स में कर दें, ठीक है, इसके अलावा मेरा जो है वो डिस्कॉर्ड का सर्वर भी है, वहां पर भी जाके मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी चलें अब आते हैं जी रिव्यू करने की तरफ, तो सबसे पहले हम डिस्कॉर्ड वाले जो अपने भाई हजरात हैं उनके पोर्टफोलियोज रिव्यू करते हैं, देन पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद मैं फाइवर के गिग रिव्यू करूंगा, ठीक है, कुछ है मेरे पास तो वो करते हैं। चलें जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं फाइवर पर काम करता हूँ, अब्दुल हनान, ठीक है, अब्दुल हनान का क्वेश्चन था जी। चलें जी ये मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन दिस तो आपको जो है ना एक आपको मैं लिंक थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ, ठीक है। सो आई विल रिव्यू पोर्टफोलियो सून, इसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और ये रात को मैंने एक पोस्ट डाली थी 25/10, नहीं ये तो बहुत पुराने हैं, 26/10 यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, दिसंबर से लोगो फोलियो और ड्रिबल रबिया डिज़ाइन और ये फाइवर का जो है बाद में चेक करते हैं जी, एंड अब्दुल रहमान बिहांस का कॉपी एंड पेस्ट, एंड देन आ गया जी यहाँ पर बुखारी डी ग्राफिक्स एंड ये दोनों, ठीक है जी, इसके बाद बाकी हम वो इंस्टाग्राम वाले करते हैं, पहले ये वाले रिव्यू कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले आता है हमारे पास लोगो फोलियो CCDZN का, सो उसने अपना लोगो पोर्टफोलियो लोगो फोलियो शेयर किया है, और इसमें NC के लोगोज हैं एंड T एंड E, थैंक यू फॉर ये, ठीक है यार ये लोगोस लेटर मार्क्स बनाए हुआ आपने, ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता हूँ कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें कि आपने क्यों बनाया है, ठीक है। इससे लाइक पता लगता है कि जी ये लोगो है, ये तो क्या चीज़ है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी आपका मुझे सिर्फ लेटर मार्क्स दिख रहे हैं, दैट्स ऑल, और इसके पीछे क्या मिशन है, ये क्या चीज़ है, कुछ और सिंबल्स ही दिख रहे हैं एक तरह से, और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ओवरऑल इट्स नाइस डिज़ाइन। अगला चलते हैं जी, आमिर हुसैन का जी ड्रिबल का पोर्टफोलियो है एंड दैट्स लुकिंग नाइस। एक आइटम में रिव्यू करेंगे, इसमें आइकन्स को रिव्यू करते हैं जी, बाकी तो सही है काम सारा। जिसको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं पता वो कम्युनिटी टैब में जाए, वहाँ पर अवेलेबल है लिंक यार। ओके, ये बड़ा अच्छा काम किया है जी इन्होंने, और अगर आप टाइटल्स देना चाहते हैं ना तो कोशिश करें कि ये यहाँ पर जो इनका फॉन्ट स्टाइल है वो सेम रखें, जैसे ये थोड़ा सा आपने इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ कम किया, प्लस दो लाइन्स में इसका साइज़ छोटा कर दिया, इसका बड़ा कर दिया, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा वर्क है आपका, कीप वर्किंग हार्ड, रियली नाइस वर्क आमिर। आमिर अगर देख रहा है तो यार गुड वर्क, बाकी देखते हैं जी। पोर्टफोलियो रिव्यू का मकसद ये होता है कि जस्ट टू गेट सम एप्रिसिएशन, और थोड़े से आपको पता लग जाए कि आप जो है किस कितने पानी में, और कुछ नहीं, लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग भी विजिट कर सकते हैं आमिर हुसैन का जो है बुखारी ग्राफिक्स के नाम का, चेक करें जाके ड्रिबल पे, एंड देन बड़ा अच्छा काम है इसका, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने इम्बोस इफेक्ट लगाया हुआ है, बेस्ट 5 डेटिंग, नाइस। अब इसमें देखें आप बैलेंस कर सकते थे डिज़ाइन को, जैसे ये बी बड़ा है और इसको 5 की बजाय 5 भी इतना ही बड़ा कर देते, तो अभी ये यहाँ पे ना यहाँ पे आके आपका डिज़ाइन ज़्यादा 5 पे जा रहा है, बाकी सारी इग्नोर हो रही है चीज़, या हार्ट है या 5 है बस, बाकी सारा कुछ नहीं जा रहा। तो इस तरह की जो है ना इम्बैलेंस चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर लिया करें। नेक्स्ट चलते हैं रबाया का, रबिया या रबाया, रबिया, हाँ जी रबिया का जी बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, और ये वर्क कर रही हैं स्पेशली जो है अपने फ्लायर्स के ऊपर आजकल। आई थिंक यहाँ पे एक आधा डिज़ाइन हम इनका भी करते हैं विजिट, क्रिसमस का बनाया है जी, और ये बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया है, और आई डोंट नो इन्होंने खुद बनाया है या कहीं से पिक किया है, लेकिन बहुत अच्छा वर्क है, नाइस वर्क। आपके पोस्टर डिज़ाइन, आपके ये फ्लायर्स या पोस्टर डिज़ाइन जो भी आप बना रही हैं, ये बहुत अच्छी स्केल है आपके पास, आप इसको फाइवर पर सेल कर सकती हैं, आप फाइवर पर लगा सकती हैं फ्लायर्स वगैरह, ये भी बनाया था इन्होंने और बड़ा अच्छा वर्क था, नाइस वर्क, ठीक है। यहाँ जैसे ये फॉन्ट लगाया ना आपने, उस तरह जैसे ये जो पिचकाए हुए हैं ऐसा आपने काम नहीं करना किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट के साथ, वो अच्छा नहीं लगता, नाइस वर्क, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आपकी। अब्दुर्रहमान को देखते हैं जी, अब्दुर्रहमान का काम थोड़ा सा अभी जो है यहाँ पर ठीक है, अल खत डिजाइन और शेंक शल द शेंक कीप वर्किंग ऑन, ठीक है। ये लोगो आपका मुझे बहुत पसंद है, ये वाला आपने सबमिट भी कराया, जो कि रात को मैं दोबारा लाइव आके रिव्यू करूंगा जस्ट लोगोस की, ठीक है, जो हमने रखा हुआ है चैलेंज उसको, सब कुछ ठीक है जी। जस्ट वर्क ऑन कलर कंट्रास्ट, ठीक है। आपका देखेंगे ग्रे के ऊपर ब्लैक तो दिख ही नहीं रहा, तो कलर के कंट्रास्ट के ऊपर वर्क करें, या आप बस ये लर्न करें कि कौन से कलर के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। मसलन ब्राइट के ऊपर ब्राइट नहीं अच्छा लगता, वो दिखता ही नहीं है, इस तरह ब्लैक के ऊपर, ग्रे के ऊपर ब्लैक कभी भी नहीं लगेगा, डार्क ग्रे के ऊपर, ये देखें जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे प्रॉपरली। तो बाकी आपके लिए आज की यही टिप है, ठीक है, कलर कंट्रास्ट के ऊपर वर्क करें। रघुवंद्रा साहू, साहू साहब का वर्क है और बहुत खूबसूरत वर्क है जी, इन्होंने चैट रूम की ऐप का यूआई बनाया है, ये देखें
पूरी गाइडलाइंस भी साथ हैं, बोल्ड और मीडियम एंड कलर कॉम्बिनेशंस एंड दीज आर द आइकन्स एंड आइकन्स फ्रॉम इवा आइकन्स, ठीक है जी, एंड रियली गुड वर्क, अमेजिंग वर्क जी, बहुत अच्छे अप्रिसिएशन मिलेगी जी इनको। दूसरा लेके आते हैं, इनकी एक और भी है, ना करो, नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी काम है, बहुत जबरदस्त काम है इनका, ठीक है, नाइस काम वर्क। एंड आई थिंक ये भी ऐप का ही है, यूआई का ही है। अच्छा, ये सारी आ गई जी आपका, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गई, या इसे कहते हैं फ्लो, ठीक है, चार्ट फ्लो, यूजर फ्लो, चार्ट फ्लो, जो भी है आपका। फीचर्स आ गए जी ऐप के, सिंप्लीफाइड डाउनलोड्स एंड गिग भी, आपने गिफ्ट भी लगाई हुई है, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, एनिमेशंस दिखा रहे हैं ज़बरदस्त, ऐप स्क्रीन्स आ गई, ज़बरदस्त, ग्रेट वर्क, अप्रिशिएटेड, नाइस वर्क जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। एंड यू कैन फॉलो हिम एज वेल, semidesign.xd, ठीक है जी, बहुत अच्छा वर्क है जी, गुड और लगे रहो। चलें जी, अब बाकी देखते हैं जी डिजाइन्स, और वो इंस्टाग्राम पे जो लोग आए हैं उनका देखते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो। 40 मिनट्स पहले आए जी, प्लीज रिव्यू फाइवर, एंड इसको खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आ गया जी बिहांस, एंड देन ये भी बिहांस, एंड ये भी बिहांस, फाइवर के बाद में अभी नहीं, अभी सिर्फ चल रहे हैं जी। एलिमेंट 99 डिजाइंस, 99 डिजाइंस के हमने गुफ्तगू कर ली है यार। अच्छे, 18 मिनट पहले आया जी आपको, जस्ट मिनट देखते हैं जी, शायद कैन आई डू मोर फील्ड, आपको मैं शटर स्टॉक देखता हूँ जी, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर गूगल ड्राइव का आ गया, फाइबर का आ गया, बिहांस का आ गया, और ये आ गया, ठीक है जी, लें जी, ये आ गया जी। अब पहले हम पोर्टफोलियो रिव्यूज करेंगे, एंड देन उसके क्या कहते हैं फाइबर के, ठीक है। एनिमे हेडर्स, एनिमे थंबनेल्स, गेमिंग थंबनेल चेक करते हैं जी, गेमिंग हमेशा जो है, तो सीफ डिजाइंस के गेमिंग थंबनेल चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम है जी। आप यहाँ पे जो है बड़ा जबरदस्त आपने टाइटल्स और ये शीशे लगाए हुए हैं, ये जैसे ये ग्राफिक्स यूज करके, गेमिंग ग्राफिक्स, और ये तो आप अगर अभी भी फाइवर पर नहीं दे रहे सर्विस तो आप देना शुरू करें, ये गेमिंग थंबनेल्स की बड़ी डिमांड है वहाँ पर, आजकल हर बंदा जो है वो चाह रहा है कि गेमिंग चैनल होना चाहिए, तो आप ये सर्विस बेच सकते हैं, ठीक है। गुड वर्क तो सी फोर, मैं यहाँ पर इसको अप्रिशिएट करना भूल गया, अप्रिशिएट, गुड वर्क। अब यहाँ पे देखते हैं जी, अभिषेक शर्मा का है, और अभिषेक शर्मा की जो है बड़ा अच्छा वर्क किया हो यार, बहुत अच्छा काम, आपका बैनर्स का काम बड़ा अच्छा है, सो आप अपनी सर्विस भी लिस्ट कर सकते हैं। लोगोस के ऊपर थोड़ा वर्क करने वाला, आपके लोगोस बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है, शायद ब्रीफ ऐसी मिली हो आपको, लेकिन ओवरऑल आपका जो है दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एक तो आपने अपने जो लोगोस के अंदर ग्राफिक्स हैं वो बड़े लाइक प्लेन से यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, अभी हो रहा है ओपन, लेकिन ओवरऑल ठीक है। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर डिजाइन नाइसली, बट फिर भी लोगोस आपके इतने पुख्ता नहीं है, बहुत ही क्या, मेरे ज़हन में वर्ड नहीं आ रहा वो वाला, कॉमन, हाँ कॉमन सिंबल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, इन चीजों से आप निकलें, जो कॉमन चीजें हैं ना, जैसे ये पपिट्सा हो गया और ये शील्ड होगी और इस तरह की चीजें, अगर आपको मैं सर्च करवाऊँ ना यहाँ पर देखें, कॉमन सिंबल लोगोस, ठीक है, तो ये देखें आपको जो है वो, मुझे टर्म नहीं मिल रही वो वाली,
यूज्ड, ओवर यूज्ड, सॉरी ओवर यूज्ड वर्ड, हाँ ओवर यूज सिंबल या ओवर यूज लोगोज आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। देखें यहाँ पर जितने भी आएंगे ना यही होंगे, पपिट्स वगैरह, ठीक है जी। ये देखें, ये वही चीजें हैं जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फेसेस हो गए और इस तरह की चीजें जो हैं बहुत कॉमन है। जैसे आपका पहला लोगो देख रहा था, दिख रहा था, तो वो चीजें ग्रेज करें, ठीक है। ओवर यूज लोगो डिजाइन बंद कर दें, ठीक है, उनको जो है वो यूज करना छोड़ दें। ये मेक समथिंग यूनिक, ठीक है, तो बहुत आपके फर्क आएगा डिजाइन में। चलें जी आगे देखते हैं जी। तौकीर हसन का ग्राफिक्स सोल के नाम का है और लोगो का डिजाइन वर्क ज्यादा दिख रहा है मुझे, लोगो डिजाइन का, तो ओवरऑल जो है अच्छा वर्क है, नाइस। ठीक है, थोड़ी सी आप और प्रैक्टिस करें और लोगोज के ऊपर जो है ना वर्क और करें। अगर आप लोगों को एज ए फील्ड लेके जाना चाहते हैं ना, ब्रांडिंग डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो लोगोज के ऊपर और मजीद वर्क करें। ये लोगो अच्छा है आपका, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं जी, ये भी अच्छा है अगर आपने खुद बनाया है तो। खुद बनाने का मतलब कि सिंबल जो है आपने स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच यानी बिल्कुल स्टार्ट से लिए, नाइस वर्क। दो एक दो चीज़ें हैं आपके भी, एक तो आपने और प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है, वो तो आप कर ही रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो से लग रहा है। दूसरा आप कलर कॉम्बिनेशंस पे वर्क करें, कलर्स जो हैं वो आपके थोड़े से डल चले जाते हैं हर तरह से। और ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जगह पे आप जो हैं अपने ग्रेडियंट्स यूज़ करें, ठीक है। आपने यहाँ पे भी ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ, तो ग्रीन एज मतलब ठीक है ना, आप ग्रीन के ऊपर सिर्फ सिंपल ग्रीन ही ऐड पुट कर देते आपका मकसद पूरा हो जाना था। एंड बाकी ठीक है, फॉन्ट्स आपके आगे से यानी कि बेहतर हैं बाकी के निस्बत, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बाकी ठीक है, देखें हर जगह पे आपने ग्रेडियंट लगाया हुआ है। सो एक्स के वो जो सिंबल था ना, एक्स तक तो ठीक था, लेकिन आपने टेक्स्ट के अंदर भी वो ऐड कर दिया ग्रेडियंट, तो बाकी आपके वर्ड मार्क बड़े अच्छे हैं जी, नाइस वर्क, गुड वर्क। इसको भी ठीक हो गया, नाइस। हिमांशु की जी देखते हैं अभी पोर्टफोलियो फाइवर की, मियांटियाई मियांटिया, ये अच्छा वर्क है, नाइस वर्क। दर्जी, नाइस। मारखोर, मारखोर की थोड़ी और डिटेल लेके आए हैं, ये बड़ा चिपटा सा मारखोर बना हुआ है। सो खैर वो हम इधर उधर निकल गए, ठीक है, गलती से इधर उधर निकल गए, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, नाइस वर्क। एंड थोड़ा सा ना इसको अपने डिज़ाइंस को थोड़ा मिनिमल करें, ठीक है, मिनिमल यानी कि कम ग्राफिक्स के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अब ये ठीक है अगर सम हाउ इफ़ वी मैनेज टू कम्बाइन दिस एंड दिस सम हाउ, तो ज्यादा अच्छा काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा काम है, नाइस वर्क, ठीक है। आपका लिटरल वर्क है, लिटरल वर्क मसलन दर्जी ये लो सिलाई मशीन लगा लो, ठीक है, बार्बर ये लो कैंची लगा लो, तो ये नूडल्स के रेलिवेंट है तो ये लो भाई नूडल्स लगा लो, तो वो नहीं। आप थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव करें, कोशिश करें एड सम स्पाइसेस एज वेल, थोड़ा क्रिएटिव टच दें किसी तरीके से, ठीक है, लेकिन ओवरऑल नाइस वर्क। अच्छा जी, ये इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम का दिया था अपना, और रियली गुड वर्क जी, नाइस। ये क्या चीज़ है जी, इसको देखते हैं। खाली बैनर है और वननेस का बनाया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ आपने, ऐड करें ना, टाइटल्स ऐड किया करें बकायदा, जैसे ये आपने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट और ये आपने बकायदा शो करवाया कॉफ़ी क्लब और ये वो, ट्राई टू लाइक जो आपका स्पेसिफिक निश है ना, निच या निश जो भी वर्ड होता है उसको और ऐड करें यहाँ पर, उनकी पोस्ट ऐड करें प्लस यूज टैग्स जैसे आपने ये किए हैं, तो आपको भी वो एक तरह से काम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, डिज़ाइन एकेडमी की ब्रांड गाइडलाइंस की जो है मुझे क्वेरीज आई हुई थी, उन्होंने जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी उनमें से जो कस्टमर्स थे पोटेंशियल, वो बाकायदा मेरे पास आए हैं कि जी आपका काम बड़ा अच्छा है, वीडियो देखी तो हमें अपनी ब्रांडिंग चाहिए,
तो मुझे एक दो कस्टमर मिले भी हैं, ठीक है, मैं उनके काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसी चीजें। मैं कॉमर्स बाद में पढ़ता हूँ यार, अभी सिर्फ देखें आप लोग भी क्या चल रहा है, ठीक है, वो फायदेमंद होगा आपके लिए। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर शटर स्टॉक का उन्होंने रूबी ग्राफिक्स ने शेयर किया है और बड़ा अच्छा काम किया हुआ है आपने, शटर स्टॉक वालों ने प्रूव भी किया हुआ। ये देखें ये मैश टूल का वर्क है, नाइस वर्क, जिस पैटर्न्स आप लोग भी पैटर्न्स वगैरह सबमिट करवाएं, अप्रूव हो जाते हैं पैटर्न्स, ये कि ट्रांसपेरेंट हो गया, अमेजिंग वर्क है, ठीक है। आप इनको अब और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ये जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, मैश टूल अगर आप यूज़ करना आता है आपको तो उसकी और प्रैक्टिस करें, आप बहुत अच्छी बॉटल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बॉटल्स या मॉकअप्स बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो अडोबी डायमेंशन ट्राई करें, उसमें वो 3D वर्क है, थोड़ा सा इधर उधर ट्यूटोरियल्स देख के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस वर्क, गुड वर्क। मोहम्मद साद का जी है, और मोहम्मद साद अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन समवेयर ऑनलाइन, तो गुड वर्क यार, नाइस। कलर कंट्रास्ट के ऊपर वर्क करें, कौन सा कलर आपको यूज़ करना चाहिए किस जगह पे जो है वो थोड़ा सा आपको ज़रूरत है। जैसे ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक नहीं विजिबल इतना होना, प्रिंट होके भी जितना वाइट हो जाना था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें, कलर ये बिल्कुल कलर अच्छा है, ठीक है ना, ये वाइट के ऊपर आप कलर ब्लैक लगाए इट्स फाइन, रेड भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा कि रेड के ऊपर ब्लैक, रेड इस तरह कलर नहीं अच्छे लगने, डार्क कलर हैं, इसके ऊपर ब्राइट कलर्स अच्छे लगने थे। नाइस वर्क ओवरऑल, ठीक है, अप्रिशिएटेड। अफरीदी साहब का है जी, बूम बूम अफरीदी, नाइस टेक्स्ट पीछे, बहुत ज़बरदस्त आपने वर्क किया है, एंड ये ब्रश का यूज एंड सो ऑन, तो ये ले जी आपके मेरी तरफ से अप्रिसिएशन, ठीक है जी। ये आ गया जी, पोर्टफोलियो है ऑन अबास का और 2020 एंड 19 कवर का, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया यार, बड़ा अच्छा आपने ये पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप भी अपना इस किस्म का एक जो है बना के रखना चाहिए आपको, ताकि कोई कस्टमर पूछे या आपको डिमांड करे कंपनी की, जी आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम आपको कितना पे करें या क्या हिसाब किताब है, तो आप उसको फौरन भेजें अपनी CV या इस तरह का पोर्टफोलियो, ठीक है। मेरा भी 19-20 पेजेस का बना हुआ है, बड़ा अच्छा वर्क है, नाइस गुड, दिस इज अमेजिंग। ये वेक्सल आर्ट था, वेजल आर्ट, नाइस, बहुत अच्छा वर्क है आपका, ठीक है जी, गुड वर्क। सो ये देखें बड़ा खूबसूरत तरीके से चीज़ें जो बनाई गई हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं तो इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ, और फिर आते हैं जी नेक्स्ट, मेहदी हसन। मेहदी हसन इज फ्रॉम बांग्लादेश एंड हिज वर्क इज अमेजिंग, ठीक है, और ग्रेडियंट्स बड़े अच्छे यूज़ किए हैं आपने, बहुत अच्छे लोगोस बनाए हैं यार, गुड वर्क। आपको रिव्यू की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, कुछ लोगों को रिव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दे आर ऑलरेडी क्रिएटिव एंड वर्किंग ग्रेट। आई लव दिस वन, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है, नाइस वर्क। देखें अगर तो ये पत्ता जरूरी था तो ठीक था, ठीक है, लेकिन अगर जरूरी नहीं था तो ये दो पत्तों से भी हमारा काम चल पड़ना था, लेकिन आप शायद वो तीन वाला ना एक कंसर्ट बनाना चाह रहे थे, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्क है, नाइस वर्क, ठीक है। फॉन्ट्स कुड बी मच बेटर, मोर बेटर, थोड़ा सा और, जैसे पॉपिंस है, पॉपिंस का लोअर वर्जन यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। बाकी ओवरऑल आपने जो सिमेट्री इसकी बनाई है ना, एक टाइपोग्राफी की, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, गुड वर्क यार, नाइस। गुलाम नबी का है जी, गुलाम नबी ने अभी आई थिंक लर्न करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये डबल कलर एक्सपोजर, ये डबल एक्सपोजर, ये ग्लिच का इफेक्ट है, और ये अभी सीख रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेरे चैनल से किया हुआ है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क किया आपने, थैंक यू फॉर लर्निंग फ्रॉम माई चैनल, बहुत अच्छा वर्क है जी आपका, कीप प्रैक्टिसिंग, और इंशाल्लाह आपको जो है
स्किल जल्दी आपकी अच्छी हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा काम किया आपने, नाइस वर्क ऑन फोटो मैनिपुलेशन, नाइस, क्या बात है, ये बहुत ही मिनिमल काम किया आपने। और बाकी जी डाइट प्लान, पॉडकास्ट का वर्ड थोड़ा सा मुझे जो है ना ऑड लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, जबरदस्त यार, ये देखा ना एक सादगी जो डिजाइन में, वैसे ही बंदा जो है कमाल का काम है आपका, नाइस। फॉन्ट्स पे वर्क करें, जहां पे ये वाला फॉन्ट इस किस्म का छोड़ दें, फॉन्ट्स पे इस तरह के फॉन्ट्स यूज करना, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है, वो इमेच्योर डिजाइन लगता है आपको, बाकी ठीक है आपका डिजाइन। जी ये स्ट्रीम चैनल पे ही रहेगी जी, ये बहुत अच्छे दोनों हैं, जबरदस्त वर्क है आपके, ठीक है। और यहाँ पर देखें टू डूड्स डिटेलिंग, और आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, आई डिज टाइम टू डूड डिटेलिंग, अ कार्ड डिटेलिंग कंपनी, लाइम ग्रीन कंट्रास्ट विद ब्लैक एंड ग्रे, ठीक हो गया, बिल्कुल जबरदस्त वर्क है आपका, ठीक है। एंड मुझे इस फॉन्ट की समझ नहीं आई, शायद वो कुछ इसी के रेलिवेंट होगा काम, डिटेलिंग कंपनी आई थिंक पेंट शेंट या वो कलर शलर चेंज करते हैं उसके रेलिवेंट, ठीक है, रीब्रांड किया है इधर से इधर किया है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है, नाइस। डब्ल्यू लोगो, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा खालीपन लग रहा है, ये वी और ए लग रहा है और ये सेपरेट लग रहा है, वो चीज़ फील हो रही है मुझे एज ए पर्सनल अगर मैं देखूँ तो, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा डिज़ाइन है आपका, नाइस, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं आप किसी तरीके से, तो वर्क ऑन इट। लें जी फिटर पोस्टर एंड म्यूजिक इवेंट पोस्टर डिजाइनिंग के लिए कौन सा फॉन्ट ले सकते हैं, डिफरेंटली फॉर्मेट सजेस्ट करें सर, यार वो सर्च करना पड़ेगा। देखें एक कॉमन बात ये है कि जब आप कुछ चीज़ बना रहे हैं रेलिवेंट टू फिटनेस, तो आप लोग जो हैं अपना वो स्पेसिफिक जो है कीवर्ड लिख के आगे फ्री फॉन्ट लिख दिया, फिटनेस फ्री फॉन्ट्स, ठीक है ना, फिटनेस फॉन्ट्स, इसके अलावा पोस्टर डिजाइनिंग फॉन्ट्स, इवेंट म्यूजिक फॉन्ट्स, तो आपको बहुत सारे फॉन्ट्स ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके क्वेश्चन में आपका आंसर होता है। चलें जी अब बात करते हैं फाइवर गिग्स की, ठीक है, और ये कुछ और आ गए हैं अब, तो इसको बाद में अब रिव्यू करेंगे, ठीक है, आज के लिए पोर्टफोलियो मैंने इतने रिव्यू करना था, अब फाइवर करते हैं क्योंकि उस पर भी टाइम लग जाना है मुझे। फाइवर का है, अच्छा जी हिमांशु का हो गया, एक ये रहता है जी, इसको भी देख लेते हैं, हिमांशु का है, और गेमिंग बैनर्स देखते हैं जी इनके, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी देखते हैं, ओवरऑल वैसे ही आपकी लुक बड़ी अच्छी बनी हुई है पोर्टफोलियो की, नाइस वर्क, बहुत अच्छा काम है जी, नाइस वर्क, यस वी लाइक द बैनर, अप्रिशिएटेड। टी शर्ट डिजाइन ठीक है, ओवरऑल सिंबल आपने इधर उधर उसके फ्रंट और बैक पे प्रिंट करवाया, बड़ा अच्छा काम है। आप लोगों को भी ऐसी अगर टी शर्ट का डिजाइन है तो, या कोई भी डिजाइन है तो मॉकअप्स के ऊपर लगा के दिखाना चाहिए, ताकि जो है वो आपको अच्छा फील आए देखने वाले को, देखें मुझे, मैंने फौरन क्लिक किया ये क्या चीज़ है, तो टी शर्ट के मॉकअप के ऊपर लगाना, अगर ये प्लेन होता तो मैं करता ही ना क्लिक शायद, ठीक है। बैनर ना कर उसके लिए आपको फॉन्ट सजेस्ट कर देंगे, अच्छा जी चलें, किड्स की शॉपिंग बैनर को मैं ले आऊँगा जल्दी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलें जी अब हमने बात करनी है यहाँ पर, अच्छा अब्दुल रहमान, अब फाइवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, काम तो बड़ा अच्छा है आपका, ठीक है यार, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी, कम आई कम विद ओवर 4 years, आप पहले अपनी इंग्लिश थोड़ी सी सेट करें, आई कम विद ओवर 4 years एक्सपीरियंस इन दिस क्रिएटिव फील्ड, I have already designed unique business card designed for many brands. Designed unique business card design
डिजाइंड या क्रिएटेड कर दें, डबल डिजाइन हो गया, ठीक है, बस थोड़ी सी ग्रामर सेट कर लें आपका, ये बाकी सही है. ट्रस्ट मी वांट्स टू सी माय क्रिएटिव एंड यूनिक वर्क एंड आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू टू वर्क विद मी इन द फ्यूचर. फॉर $5 में आप क्या चीज पे कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन. बाकी देखते हैं आपके टैग्स और पैकेजेस देखते हैं. 1 यूनिक कार्ड, 2 यूनिक बिजनेस कार्ड, 3 यूनिक बिजनेस कार्ड्स, ठीक है. सारे पैकेजेस आप वन डे डिलीवरी करें, ठीक है, सारे पैकेजेस आप वन डे करें. आप एक दिन में 3 बिजनेस कार्ड बना सकते हैं. जब आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आ गए तो यू गाइज कैन रिड्यूस द प्राइस, ठीक है. टैग्स देखते हैं जी, बिजनेस कार्ड डिजाइन मॉडर्न बिजनेस कार्ड, यूनिक बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड रियल एस्टेट, ठीक है. टैग्स तो आपके ठीक है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो यू शुड शेयर दिस ऑन ट्विटर, ठीक है. आप ट्विटर पे ट्वीट्स करें और उससे आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है. आप लोग जो हैं अपना काम प्रमोट करें, उसका ये फायदा होगा कि लोग आपके रीच बढ़ेगी, ठीक है. और अगर उनमें से कोई पोटेंशियल कस्टमर हुआ तो वो भी. अब मैं वो वाले जो है नहीं कर रहा रेफर आपको, फेसबुक के ग्रुप्स जो बकायदा बनाए हुए फाइवर प्रमोशन गिग के नाम के, तो वो वाले नहीं मैं कह रहा. कोई ऐसे ग्रुप्स जहां पर ये चीज़ पोटेंशियल कस्टमर्स भी बैठे हों, ठीक है. आप अगर रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो ज्वाइन रियल एस्टेट वाले जितने भी हैं, यूएस से यूके बेस्ड ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें. वहां पर जाके आप जो है अपना काम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं अवेलेबल हूँ. हिमांशु का वर्क देखते हैं जी. हिमांशु इज गोइंग ग्रेट सो फार, 110 रिव्यूज हैं. बहुत अच्छा काम है जी आपका और कैनवा का, ठीक है. आई विल डिजाइन आई कैचिंग गेमिंग बैनर. और देखा मैंने कहा गिग करना है, आप पूरी पूरी प्रोफाइल भेज रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा, वैसे ही बहुत अच्छा काम है आपका जा रहा. और बाकी जो देख रहे हैं उनके लिए भी देखें, आप लोग भी कैचिंग गेमिंग यूट्यूब बैनर और डिजाइन प्रोफेशनल ट्विच ओवरलेज भी बना के रख सकते हैं. यहाँ पे देखें इनका काम बिक रहा है ये वाला, तो यू गाइज कैन ट्राई. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कोई ऑर्डर है इनके पास कि नहीं. लेवल 1 है ये, आई थिंक ऑर्डर नहीं आ रहे इनको भी. तो आप भी अपना जो है काम शेयर करें और ठीक है. बाकी तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, प्रमोट करें अपने गिग्स को ज्यादा से ज्यादा. आई विल सिंपल बिजनेस लोगो ब्रांड. आई विल सिंपल बिजनेस नहीं आपका नूरुल्ला, आप जो है ना आपका कोई भी जो इमेज अच्छा नहीं है, तीनों में से कोई आपका ये बिजनेस लोगो ब्रांड आइडेंटिटी जो है नहीं प्रूफ कर रही. योर इस गिग को आप डिलीट ही कर दें बेहतर है, बिकॉज आपका टाइटल भी नहीं अच्छा. आपने पहले वाला अच्छा लिखा होता, डिजाइन अ सिंपल एंड एक्सीलेंट लोगो फॉर योर कंपनी, ये चले अच्छा था, ठीक है. लेकिन ये वाला जो है ना, इसकी कोई सुर नहीं बन रहा. ऊपर लाइन URL कुछ और था पहले, टाइटल आपने कुछ और कर दिया, उसके बाद आपकी लोगोज का वर्क नहीं है आपका अच्छा, ठीक है ना. मैं तो सीधा कहूँगा आपके, सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज लोगोज. यहाँ पे अच्छा काम लगाएं, अगर आपको अच्छा काम नहीं आता तो सीखें, देन आप इधर आए, ठीक है. नूरुल्ला अभी छोटा है बहुत, एंड यहाँ पे मंथ्स ना पुट करें, यहाँ पे ईयर्स पुट करें, 2 years ना ही पुट करें. आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिन जो न्यू है, जिनका 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, साल का है, कुछ मंथ्स का है, मेंशन ना करें उसको, एक्सपीरियंस को. आप सिर्फ लिख सकते हैं आई एम गुड इन लोगो डिजाइन, आई हैव नाइस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइनिंग, इस तरह के चक्कर. बाकी आपका काम नहीं अच्छा, इस वजह से आपको ऑर्डर शॉर्डर नहीं आ रहे, ठीक है. बाकी देख लेते हैं आपका, ये देखें बिल्कुल बेसिक काम है यार. सो इस पे आपको कोई भी नहीं हायर करेगा. अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर बहुत मिनिमल सा लोगो लगाया है जी, डिस्कॉर्ड लोगो का, और बहुत अच्छा काम है. अब ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, एक तो आपने इमेज ही एक लगाई और वो इतनी बेसिक है कि वो कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है. और अगर ये देख रहे हैं मेरी स्ट्रीम तो मैं उनको कह रहा हूँ कि यहाँ पर और लोगोज पुट करें. आप अपनी शॉप खोल के बैठे हैं और उसमें एक आइटम रखी है और वो आइटम भी देखने के लायक नहीं है, बस एक बंदे को समझ आने वाली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सब लोग वही बाय करेंगे. इट्स नॉट गोन वर्क, ठीक है, बिल्कुल नहीं वर्क करने वाला वो चीज. तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो हैं अपना काम ज्यादा पुट करें यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पर 3 इमेजेस होती हैं, तीनों यूटिलाइज करें, तीनों पे अच्छा काम करें.
ठीक है ये सही है, इसके अंदर ये जो माइक है ना कुछ और ही लग रहा है। तो सालेहा जफर, ठीक है आप इसका टाइटल चेंज करें पहले, ठीक है, एंड माइक छोटा कर दें, माइक छोटा कर दें। बाकी ओवरऑल नाइस डिजाइंस, बहुत अच्छा काम है। इस इमेज को इससे रिप्लेस कर दें, इस इमेज को इससे रिप्लेस कर दें अगर आप देख रही हैं, ठीक है। इसको चाहे डिलीट ही कर दें बेहतर है। नीचे देखते हैं जी आपके टैग्स, ठीक है। ठीक हो गया जी आप, बाकी सब ठीक है। बस अगर आपके ऑर्डर नहीं आ रहे तो पहले तो आप ये इमेज फिक्स करें अपनी, ये चार ज्यादा अच्छे हैं इसकी निस्बत, तो फ्रंट पे ये रखें, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट है जी मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का ये अच्छा है, अगर आप देखें एक ही लोगो चार दफा लगाया, अगर आप चार इस तरह दिखाना चाह रहे हैं तो आप एक ही थंबनेल पे चार लोगोज लगा लें डिफरेंट, ठीक है। कस्टमर को वैरायटी जाएगी, उनको पता होगा कि इसने मुख्तलिफ किस्म के काम किए हुए हैं, तो आप लोग आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो भी जनरेट हो जाएगा, आपके पास कस्टमर भी अच्छा आ जाएगा, वो पोटेंशियल कस्टमर भी बन जाएगा कि आप वैरायटी काम कर सकते हैं। इस तरह आपने 12 स्लॉट्स हैं आपके पास हैं इस वक्त, ठीक है। यू हैव 12 स्लॉट्स टू शो योर लोगोस, बट आपने सिर्फ तीन दिखाए हुए हैं उसमें इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस पर अलग अलग लोगोज लगाएं, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। ये वाले जो सेंटर वाले हैं ये बड़े अजीब से लग रहे हैं, इनको रिमूव कर दें। आई विल डिजाइन मिनिमल अट्रैक्टिव लोगो फॉर योर ब्रांड, और नीचे आपने थोड़ा एक्सप्लेन करें और चीज को, ठीक है। वर्ड मार्क आपने कैन क्रिएट दिस टाइप्स, ठीक है, और इसके अलावा आउटपुट्स लिख दिया। आप पैकेज थोड़े एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको पहले पैकेज में ये दूंगा, सेकेंड पे ये, थर्ड पे ये, एंड देन ठीक हो गया। थोड़ा अपने बारे में और बताएं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक हो गया। क्रिएट लोगो, कस्टम लोगो, मिनिमल डिजाइन लोगो, ये चेंज करें यार यहाँ पे। ये आप देखें यहाँ पे टैग्स को यूज करने का एक मेन तरीका ये होता है कि आपका कस्टमर आके किस तरह आपको ढूंढ सकता है, ठीक है। वैसे क्या उसके जेहन में सबसे पहले आएगा जब उसने उसको लोगो चाहिए होगा, मिनिमल, ठीक है, मिनिमलिस्ट, मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, तो वो चीज आप यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, अच्छे रहेंगे। टैग्स एक पे चेंज करने हैं आपने, दूसरा आपने इमेजेस जो आपने मैंने आपको बताई है वो ऐड करनी है, एंड फॉरगेट अबाउट द ग्रेज, ये ग्रे कलर नहीं अच्छे लग रहे, ग्रे ना यूज करिएगा दोबारा, वाइट कर लें ज्यादा बेहतर। निट्स मानू, जिनके लोग जिनकी एक एक दो दो गिग्स है ना, उनको तो पहले चाहिए अपने सारे गिग्स लगाएं, ठीक है, उनको चाहिए अपने सारे गिग्स लगाएं, और ये अच्छा है आपका काम, नाइस प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन, बहुत अच्छा काम किया आपने, ये प्रेजेंटेशन भी बनाई है आपने। लोड नहीं हो रहा अभी, मोर मिनिमल ब्रांड लोगो प्रोफेशनल, यहाँ पे और भी एक आधा टैग ऐड करें ना ब्रांड, आपको भी वही प्रॉब्लम है कि लोगों को आपने टारगेट किया, देखे नो वन इज गोइंग टू सर्च, अगर लोगो करेंगे ना यहाँ पे तो आपका कहीं भी शो नहीं होना। स्पेसिफिक निच को टारगेट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमलिस्ट कर लें, ठीक है, मिनिमलिस्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पर आप इनको टारगेट करें। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर, अगर आप सिर्फ लोगो लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, सर्विसेज भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा देखें मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमल लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, ये सारे देखें ये वो हैं जो सर्विसेज लोग दे रहे हैं, तो इनको टारगेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह के टाइटल, इस तरह के आप कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करें तो अफाका होगा, आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। फहीम अहमद, बहुत अच्छा वर्क है जी आपका, नाइस वर्क, और ओवरऑल अब
आपका लेवल वन है और आपने 6, 7, 8 दो और हैं आपके गिग्स, वो भी पूरे कर लें, ठीक है, और नाइस वर्क सो फार, ठीक है, काम तो अच्छा ही आपका यार, मैं अब क्या कहूँ यहाँ पे, इस नाइस डिज़ाइन, ये आप ई रोजगार के हमारे स्टूडेंट हैं, नाइस गुड। माही म्याशी, इसका नाम बड़ा मुश्किल है यार, चलें ठीक है, 17 रिव्यूज़ हैं और यहाँ पर लोगों का काम ज़्यादा है आपका, ठीक है, और डिज़ाइन एक करेक्ट कार्टून करेक्टर एनिमल मैस्कोट लोगो फॉर यू, ठीक हो गया, अच्छा काम है आपका, नाइस, काम तो आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, यू जस्ट नीड टू प्रमोट योर गिग्स, ठीक है, फिर ये आपका जो हो जाएगा इम्प्रेशन वगैरह आना शुरू हो जाएंगे दोबारा, ठीक है, एक ऑर्डर भी आया हुआ आपका, ठीक है, इस तरह के आप लोग भी दे सकते हैं, न्यू एंड ग्लोइंग टेक्स्ट एनिमेटेड लोगो, तो आप लोग भी अपना जो है ग्लोइंग वाले दे सकते हैं सर्विसेज, ये देखें ऑर्डर तो आ रहे हैं आपको, नाइस वर्क, बहुत अच्छा काम है जी, ज़बरदस्त काम है आपका, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जी किसके आए हैं जी मेरे डिस्कॉर्ड के ऊपर, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आमिर हुसैन का हमने चेक कर लिया यार, अब देखते हैं पोर्टफोलियो के लिंक्स हैं जी, बुखारी और ये वो सब के हो गए हैं, ठीक है जी, न्यू मेंशंस हैं, अच्छा एवरीवन लें जी, चलें जी आज के लिए इतना ही रिव्यू था, अगर किसी और का है थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और फाइवर भी, हाँ ये कुछ नए आए हैं, रिव्यू करते हैं, ओके जी हो गया रिव्यू, ओके जी आपका भी होगा, चलें जी, विल आई ज्वाइन योर टीम, देखते हैं जी अभी आप थोड़ा सा रिव्यू कर, मिनिमल एंड नेगेटिव स्पेस लोगो डिजाइन, ठीक है, ये येलो येलो लगाए हो आपने, इट्स नाइस, ठीक है, तो थोड़ा सा येलो डिफरेंट येलो कर लें, ये वाला येलो करके देखें, ये अब देखो सब के आ रहे हैं, ना करो ना करो, अब अगली बार रखेंगे, मैं एक और स्ट्रीम भी करनी है थोड़ी देर तक, अच्छा आपने येलो जो यूज करना है इस तरह का यूज करना है, वो वाला जो इतना ब्राइट येलो है ना वो ना यूज करें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, आपका पैकेजेस ठीक हैं, एंड अच्छा आप थोड़ा सा और यहाँ पे अपने लोगो का वर्ड जो है ना, ये जो मेन टारगेट है मॉडर्न मिनिमल लोगो, ठीक है, उसको बेहतर करें, एंड देन टैग्स देखते हैं जी, आई कैचिंग लोगो, क्रिएटिव लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमल लोगो, और एक मिनिमलिस्ट लोगो भी कर लें, वो भी ठीक रहेगा आपका, सही, एंड शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा, अब्दुल्ला का देखते हैं जी, अब्दुल्ला जी एफएक्स, नाइस वर्क, अच्छा जी ये रास्टर एंड वेक्टर के अच्छी एग्जांपल्स दी हैं आपने, वेक्टर पोर्ट्रेट अच्छे हैं, ठीक हो गया, आपको ना थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहें, जिससे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगा आपके ग्राफिक्स ना बेहतर होना शुरू हो गए, नीचे से देखें, नीचे और तरह के हैं, और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा हैवी काम हुआ हुआ है इसमें, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा डाटा यूज हुआ है, तो कम कर सकते हैं, किसी तरीके से तरतीब लगा सकते हैं, मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक ठीक हो गया, ओवरऑल ठीक है आपका काम, बड़ा अच्छा है यार, आप लाइक व्यूज़ भी हैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़े थोड़े, कीप वर्किंग इट, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, गुल फातिमा है जी ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रॉम कराची, एंड ओवरऑल ठीक है,
वो आज एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग ग्रेडियंट्स के ऊपर बड़ा आजकल जो है ना वर्क कर रहे हैं। जो आजकल के ग्रेडियंट्स यूज हैं ना वो और तरह से हैं, वो आप कह सकते हैं पेस्टल कलर्स वाले जो लाइट से होते हैं वो हैं, एंड इट कुड बी मच बेटर। ये इसको थोड़ा सा और करें ज़रा वर्क, ये इस तरफ करें, ठीक है, ये जो है ना बुलेट्स इस तरफ करें, ज़्यादा अच्छा लगेंगे। एंड ये कट जो है सिर्फ यहाँ से लें, सिर्फ इसके ऊपर है, बाकी ये डिटेल जो है वो और तरीके से शो करवाएं। यहाँ पे शो करवा दें आइकन्स, ऑर्डर ना ऊपर कर लें, यहाँ पे अपने बुलेट्स ऐड कर दें, यहाँ पे अपने सोशल मीडिया आइकन्स शेयर कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आपका काम सही है, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो उन्होंने फिर खामियां निकालेंगे, इसको तरतीब लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। सो ओवरऑल नाइस वर्क, ये भी अच्छा वर्क है, नाइस, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने, गुड वर्क। ये देखें यहाँ पर वाइट बनता था, आपने कलर जो है उसको वाइट कर दें और फॉन्ट्स को स्ट्रेच ना किया करें। Appreciated, good work, cosmetic का काम बहुत अच्छा है आपका। ठीक हो गया, ये भी नाइस, अच्छा काम, अच्छे बैनर्स बनाए आपने। अवॉइड शेडोज, जरूरी नहीं होता आप हर जगह पे शेडोज ले आए, ठीक है, आप उसका कलर चेंज कर लें, उसमें अगर आप दिखाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे वाइट यूज कर लेते और टेक्स्ट आप ब्लू कर लेते वो ज्यादा विजिबल हो जाता आपका, अगर आप विजिबिलिटी की वजह से शेडो यूज कर रहे हैं तो। ठीक हो गया गुल फातिमा, आपका जो है बैनर, लेकिन अब यहाँ पे आके आप जो है ना कस्टमर जो है शायद ही आके वो आपका काम पसंद करे, क्योंकि उसमें ग्रेडियंट्स और वो चीज़ें जो थोड़ी सी इमेच्योर दिखती हैं वो वाली यहाँ पे छोड़े, लेकिन ये ओवरऑल ठीक है, ये आपका जो गिग इमेज है अच्छा है। बट एक चीज़ देखें आपकी, मैं आपको एक अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदा जो है वो शूज़ बेचता है और शूज़ जो है वो उसकी दुकान पे पड़े ही नहीं हुए हैं, सिर्फ उसने बैनर लगाया जी मैं जूते बेचता हूँ, बैनर अपने मुंह से कह रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी शॉप पे पड़े ही नहीं हुए, तो कस्टमर आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। तो पहले आप ऐसा करें, ये कुछ दिन ये वाली इमेज जो है या बकायदा बैनर्स की इमेज बना के वो लगाएं फ्रंट के ऊपर, ट्राई करें, ठीक है, शायद ऑर्डर आना शुरू हो जाए। बाकी ओवरऑल ठीक है, ये नीचे आपकी सर्विसेज वगैरह भी उन्होंने आपने बताई हैं और ये बैनर एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, क्रिएटिव बैनर, यूट्यूब बैनर, सोशल मीडिया बैनर, ये कीवर्ड्स आपने क्या करने हैं, ये यही तो यूज़ करने ना, कस्टमर आपके पास कैसे आएगा जब आपने कीवर्ड्स ही नहीं वो वाले यूज़ किए, टैग्स ही नहीं यूज़ किए हुए, तो वो टैग्स यूज़ करें इधर भी और अपने डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स वगैरह इस तरह के यूज़ करें, सोशल मीडिया बैनर्स और क्रिएटिव बैनर्स और फेसबुक बैनर और इस तरह की चीज़ें, बैनर एड्स, ठीक है, तो वो तो आपने किया ही नहीं हुआ, आपकी खुद ये गलती है, ठीक है। सो हम के का जो है ना, आप पहले, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप गिग्स पूरे ऐड करें एंड देन प्रोफेशनल काम ऐड करें, ये ठीक है, आपका गिग ये सही है, ठीक है, एंड इस तरह का काम जो लोगों के समझ में ना ना आए वो आपने नहीं लगाना, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना कि ये अगर मैं एज ए न्यू बंदा या फर्स्ट टाइम जिसको डिज़ाइन का पता ही नहीं होता एज ए कस्टमर, तो वो नहीं समझ पाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो कोशिश करें वो वाला काम लगाए जो लोगों को जल्दी समझ भी आ जाए कि ये क्या बना हुआ है। ये देखें आई स्माइल डेंटल केयर, ये तो बहुत ही मिनिमलिस्ट टाइप है लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, तो ट्राई टू वर्क ऑन क्रिएटिविटी ऐड करें उसके अंदर। चलें जी, बस ये आखिरी टैब है, उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन लूंगा थोड़े से और उसके बाद छुट्टी करेंगे, क्योंकि मैंने 8-9 बजे दोबारा आना है और अपना जो है चैलेंज रिव्यू करना है थोड़ा सा, वो थोड़ी देर के लिए आऊंगा। ओवरऑल नाइस वर्क हेयर और बड़ा अच्छा आपने यूज किया हुआ है अपने मॉकअप्स का यूज, आई लव दिस वन, आरजे का लोगो है एंड साकिब बहुत से हैं जी। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप मॉकअप्स का यूज़ करेंगे ना आपके डिज़ाइन वैसे ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाना, ये देखें ये मॉकअप यूज़ हुआ हुआ है, थोड़ा प्रीमियम मॉकअप है, यू गाइस कैन आल्सो परचेज फ्रॉम ग्राफिक रिवर, आई थिंक वहाँ पे पड़ा हुआ, बहुत अच्छा काम है आपने, बहुत ज़बरदस्त, ये देखें स्पेसिंग का बताया हुआ है, आई लव्ड इट, वाह, ठीक है जी, ज़बरदस्त,
लेकिन टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा काम, गुड वर्क। ये प्रोजेक्ट कंसेप्ट, ब्रांड कलर, टाइपोग्राफी, पूरी ब्रांड गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, जबरदस्त काम। देखें इस तरह काम प्रेजेंट करें, व्यूज भी आते हैं और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। ये देखें मॉकअप्स लगाए हैं, टेप कैसी लगेगी आपकी, बुक का टाइटल, ये पेज कैसे दिखेगा, कपड़ों के ऊपर कैसे लिखेगा, फ्लेक्सिस के ऊपर, ऐप के ऊपर। यार ये कमाल का वर्क है यार, बहुत अच्छा आपने काम किया है, ठीक है। एंड ये देखें, यू अर्न्ड माय फॉलो, आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ। नाइस वर्क यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, अमेजिंग। तो बस आप शेयर करते रहें अपने फेसबुक के ऊपर, पेजेस पेज बना लें, आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप शेयर करें, आपको और अप्रिसिएशन मिलेगी, काम आपको जो है और मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करें और ऐड करें यहाँ पे, ठीक है। वीकली बेस कर लें, एक आधा प्रोजेक्ट और करते रहें अंटिल यू अपने आप को ब्रांड ना बना लें अपने आप को, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है आपका जी, मिनिमल लग्जरी बिजनेस लोगो, एंड ट्राई टू लाइक इसको प्रमोट करें ट्विटर के ऊपर, ठीक है। एंड एक और टैग बनता है तो यहाँ पे वो लगा लें, मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट लग्जरी कौन लिखेगा आपके आके। ठीक है जी, तो ये आपने देखना है यार, यहाँ पे मिनिमलिस्ट लग्जरी कौन लिखेगा आके, ठीक है। तो आपने वो लिखना है, मिनिमलिस्ट लोगो लिख लें, कोशिश करें उस तरह सोचें जिस तरह कस्टमर आके सोच रहा है। सोर्जा का है जी, और ये बड़ा अच्छा है आपका डिज़ाइन, और फॉन्ट भी ठीक है, नाइस वर्क। बस आपको यही दिख रहा है, वीडियो एड आउटरो इंट्रो डिज़ाइन, ये पोर्टफोलियो देख लेते हैं जी। चलें जी आते हैं जी, बस एक और रह गया, उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह देखता हूँ मैं, ठीक है। लें जी, बड़ा अच्छा इवेंट का पोस्टर है, नाइस वर्क। फॉन्ट्स मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, आप दो या तीन फॉन्ट्स यूज़ किया करें यहाँ पर, एक फॉन्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये वाला, आई थिंक ये और ये फॉन्ट शायद सिमिलर शायद हों, मुझे लग नहीं रहे, ठीक है। तो फॉन्ट्स कम यूज़ किया करें। लव फॉर एवर, नाइस, गुड वर्क, पेंडेमिक, कोविड, एंड बहुत अच्छा काम किया आपने जी, नाइस वर्क है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। काम तो आपका बहुत अच्छा है सोर्जा, नाइस वर्क, कीप इट अप। और ये जी आज के हमारे आखिरी प्रोफाइल, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू चेक, वो फिर हम नेक्स्ट वीक रख लेंगे, ठीक है। आई विल क्रिएट किड्स इलस्ट्रेशन फॉर यू, चिल्ड्रन बुक, ड्रा वेक्टर लाइन आर ट्रेसिंग, क्रिएट अ वर्कआउट, ये वो, ठीक है यार। आपका काम थोड़ा डिफरेंट है ओवरऑल जो है ना, लोग लोगोस दे रहे हैं, लोगों का तो आपका भी है, लेकिन आप अगर और मजीद, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं कोई कम कंपटीशन वाला, तो वो है पॉडकास्ट कवर आर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखें, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉडकास्ट कवर लिखें यहाँ पे, 2323 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे देखें ब्रांड गाइडलाइन देखें, ठीक है, ये 4339 लोगों ने ये ब्रांड गाइडलाइन कवर लिखा हुआ। लोगो डिजाइन लिखेंगे ना तो बहुत कंपटीशन है, 1,27,817 सर्विसेज। कोशिश किया करें जो सर्विसेज अभी रिसेंटली न्यू आई है ना वो यूज। अब ये देखें एल्बम आर्ट में 6,785 सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इन जैसे जो हैं, जैसे ये न्यू है फैशन डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, ये इनमें न्यू जो है ना, आप अपने वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यू गाइस कैन ट्राई पॉडकास्ट कवर आर्ट, ई बुक कवर डिज़ाइन एंड एल्बम आर्ट। चलें जी, बस जी आज के लिए इतना ही। अब लेट्स कमिंग बैक टू आर स्क्रीन लाइक कैमरा, एंड देन हम आते हैं जी यहाँ पर, थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगा छुट्टी करूँगा, ठीक है। 10 बजे या 11 बजे रात के फिर आऊँगा। ओके जी सर, दिमाग कैसे चलाएं, काम देख देख के लोगों का, जितना काम लोग देखेंगे आपका काम उतना चलना शुरू हो जाएगा।
सर इस सेशन में जब बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो आर्ट बोर्ड रख रख जब बिजनेस कार्ड बनाना कंप्लीट होता है तो मैं पीएपी में सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करके वो फाइल हाइड होते हैं, शो क्यों नहीं करता? या वो समझ आया, अगर आप सेपरेट आर्ट बोर्ड्स बना के कर रहे हैं तो फाइल एक्सपोर्ट एज करके उसमें नीचे चेक मार्क कर लिया करके सिर्फ मेरे आर्ट बोर्ड्स ही निकलें फिर होगा, अदरवाइज वो नहीं शो होगा, पूरा पेज निकलेगा नहीं तो। अच्छा जी, क्वेश्चंस लेते हैं नीचे से। सर सर मेरी बात सुन लें जी, सुनाएं जी, किधर है आपकी बात? सर मेरा फाइवर पर 16 ऑर्डर कंप्लीट हैं, उसके बाद काफ़ी अरसे से ऑर्डर नहीं आया, प्लीज़ मेरा अकाउंट रिव्यू कर देंगे? कर दूंगा जी आपका अकाउंट, आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं वहाँ पर देख के आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, ये देखें ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, हैंडल कैसे करें प्लीज़ कुछ गाइड कर दें। वकास तालिब, आप अपना यहाँ पे अपना कोई यूज़र नेम सेंड करें, इंस्टाग्राम या कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप में से आप लोग जो देख रहे हैं इनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे जी, काम मुझे दे दें। तो एक टीम बना लें यार, टीम के बगैर कुछ नहीं होता। मैं खुद अगर मेरे पास काम ज़्यादा आ जाए तो छोटे भाई को मैं कॉल करता हूँ कि यार आ जाओ मेरे साथ, ठीक है? तो वो हम टीम अप कर लेते हैं, तो टीम अप करें। टाइपोग्राफिक कोर्स इन प्रोग्रेस, तो इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगा। आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट? आप अभी तो मेरा कोर्स जो है वो नहीं आने वाला जल्दी, ठीक है ना, कुछ लग जाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी करना है तो आप सिर्फ यही क्वेरी यूट्यूब पे डालें, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, आपके पास बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप उनको फॉलो कर लें। 20 ऑर्डर्स क्यों में पड़े हैं? तो यार आप देखें या कोई अच्छा डिज़ाइनर फाउंड कर लें, ठीक है, और पहले अपना ये ईमेल यहाँ पर शो करवा दें ताकि आप लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो आप फौरन एक दो जनों को हायर कर लें या जैसे भी आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कमेंट में अपना ईमेल दिखा दें। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या हम रिसोर्सेज से PSDs डाउनलोड करके उनमें चेंजेस करके क्लाइंट को भेज सकते हैं? जी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस का मतलब फिर चेंजेस ही हो। अब ये ना हो कि आप उसका सिर्फ टेक्स्ट चेंज करके भेज दें या कोई कलर चेंज करके भेज दें, वो फिर कॉपी होगा, ठीक है? आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, मसलन एक वेब डिज़ाइन डाउनलोड किया आपने या कार्ड किया, तो उसका कोई एक पट्टी उठा ली, कोई आपने स्पेशल उसमें से कोई कंटेंट उठा लिया, मसलन डिटेल होगी या कोई आइकन स्पेशली एक आधा उठा लिया, तो इट्स फाइन। लेकिन पूरा डिज़ाइन वैसे का वैसे ही छाप के दे दें सिर्फ कलर टेक्स्ट चेंज करके, तो वो कॉपी में आएगा। अब्दुल कदीर की तरफ से ऑप्शन आ गई है जी आपको, अगर टीम अप करनी है तो। आई वॉन्ट टू शेयर माई वर्क, वेयर टू सेंड यू? आप हमें मुझे जो है उस उधर सेंड कर दे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? वो का ये देखें, बहुत सारे लोग हैं जी टीम अप करने के लिए तैयार हैं, आप अपना ईमेल शो करें यहाँ पर, मैं आपका ईमेल यहाँ पे शो कर देता हूँ लाइव, ताकि आप लोग जो हैं कॉन्टेक्ट कर सकें विकास से, ठीक है? सर ग्राफिक में कौन कौन काम मिल सकता है? मेरे लोगों नहीं करना है, विदाउट लोगों मुझे डिजिटल फील्ड में जाना है, क्या पॉसिबल है, क्या करना हो? बिल्कुल पॉसिबल है, आप पॉडकास्ट कवर, बैनर्स, एल्बम आर्ट्स, ई बुक कवर डिज़ाइंस, और इसके अलावा प्रिंट मटेरियल जैसे फ्लायर, ब्रोशर्स और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, डिज़ाइन तो बना लें, ठीक है? और विकास साहब अगर आप देख रहे हैं स्टिल, तो आप अपना ईमेल शो करवाएं जी। फ्रीलांस के लिए फाइवर बेस्ट है या गिगजोई? आप गिगजोई तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है जी, फाइवर ही ठीक है। अच्छा वकास का है जी, वो ज्यादातर लाइन आर्ट लोगों का वर्क है, तो अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है लाइन आर्ट का या लाइंस के थ्रू काम कर सकता है, तो वकास ने अभी तक ईमेल नहीं अपना शेयर किया, ठीक है? Shout out to OS Use Fiji, बिल्कुल जी।
I have old subscribe. I have completed 61 orders in May 2020. Start kiya tha. Good work kiya. Line art ka niche hai ji. Wawa sardi ki ab topi pehna diya. Direct contact Vikas Talib se, we can discuss. Bilkul ji, aap Vikas Talib jo hai apna email nahi share kar rahe. Baaki sab kuch kar rahe. How to create, what are the requirements, Vikas Talib. चलें जी विकास तालिब, अगर आप यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें तो आई कैन चेक योर कंटेंट. ठीक है, तो मैं वो देखता हूँ. विकास का मैसेज नहीं आ रहा, बस वो बात ही कर रहा है, ईमेल नहीं दे रहा. चलें कोई बात नहीं. चलें जी देखते हैं जी, और कोई क्वेश्चन किसी का बताएं जल्दी से. आई डू यूट्यूब SEO फॉर योर चैनल. अच्छा जी, कैसे करते हैं आप मुझे भी बताएं जी. फ्रीलांसर पे एक वीडियो बना दें. हाँ जी, आ जाएगी जी, freelancer.com पे वीडियो आ जाएगी. सब हम जा रहे हैं, पोर्टफोलियो का काम करेंगे. अब बताएं, बाय, टेक केयर. ओके जी, टेक केयर जी, टेक केयर. अब मैं भी जा रहा हूँ जी. जल्दी से लाइक कर दें जो लोग देख रहे हैं, ठीक है. और मैं तो देखे आज के ना रिव्यू और पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो और गिग रिव्यू, तो वो गपशप फिर करेंगे दोबारा आगे किसी दिन. मैं अक्सर लाइव आ जाया करूँगा. आपका पोर्टफोलियो देख के मुझे लगता है कि आपको फ्लायर्स और बैनर्स का काम करना चाहिए. डिज़ाइन अकेडमी सर, अब हम जा रहे हैं. अच्छा जी, ठीक है जी, आप जाएँ. विकास इज़ अ टोपी, ये देख लें जी. विकास भाई, मेरी नाक ना कटवाओ, ठीक है. अच्छा, विकास ग्राफिक्स का है, मुझे लाइक आई थिंक मुझे मैसेज आ गया ये. अच्छा, ओके हो गया. ले जी, विकास का मुझे टोपी नहीं है यार, वो उसने मैसेज मुझे शेयर कर दिया है. मैं आपको यहाँ पे कैप्शंस में डाल रहा हूँ उसका ईमेल, ठीक है. आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका कांटेक्ट कर सकते हैं. स्पैम ना करिएगा, स्पैम करोगे तो उसने ब्लॉक कर देना है. अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ. सबसे पहले ईमेल आपको दिखा रहा हूँ, ये ईमेल है विकास का, ठीक है. इस पे आपने अपना लाइन आर्ट या लोगोस के रेलिवेंट काम शेयर करना है तो वो आपको रिप्लाई करेगा, अदरवाइज उसने आपको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है. ये मैं आपको बता दूँ, ये विकास की ईमेल है, vikastalibjat786@gmail.com. और वाहियात काम नहीं सेंड करना, ठीक है. ये जो है आपको, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप में से कोई बेस्ट है, जैसे कि मैंने जिसको आज फॉलो किया है उनका मुझे नाम नहीं याद एक्चुअली, तो जिनको बिहास का वो ब्रांडिंग डिज़ाइंस देखी हमने, 3-4 बड़े अच्छे पोर्टफोलियो था, तो वो. सो घटिया काम नहीं सेंड करना, वाहियात काम जो होता है ना, जिसको बंदा कह सकते हैं अभी मैंने स्टार्ट लिया है, एक माह नहीं हुआ तो आप उसे काम सेंड कर रहे हैं. गुजारिश है आप लोगों की, ठीक है. स्पेस देकर दूसरा, आप फ्रीलांसर पे एक ग्रुप बनाएं ताकि हम अपना वर्क शेयर करें. फेसबुक पे मेरा ग्रुप है, फेसबुक पे मेरा ग्रुप है जानी, तुम नहीं वेखदे तो मैं हुण की करा, ठीक है. देखें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड यू विल फाइंड. देखें यहाँ पर, देखें मैं आपको ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिस वन. ये देखें, ये यहां पर जाए ना मेरे चैनल को, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है, ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, ये मेरा जो है फेसबुक का पेज है, ठीक है. ये पेज है, ये पेज है, और ये ट्विटर का है, और ये आ गया जी हमारा सपोर्ट मी वाला. इफ यू गाइज वांट मी टू सपोर्ट ऑन पैट्रियन, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं. आप मेरी कोई भी वीडियो ओपन कर लें, ठीक है. यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो, लास्ट वन. किसी ने नहीं देखी तो लाजमी देखें, 5 फ्री फॉन्ट्स दिए मैंने,
ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये देखें यहाँ पर नीचे फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है, ये फेसबुक का ग्रुप है, आप लोग जाके ये ज्वाइन करें, वहाँ पर रिक्वेस्ट करें, आपकी अप्रूव हो जाएगी, देन यू गाइस कैन सेंड योर पोर्टफोलियोज और इमेजेस वगैरह शेयर करो। उधर बहुत सारे लोग 1000-1200 लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपको जो है करेंगे, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, इसमें मैंने वो शेयर किए हैं आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छे फॉन्ट्स, ठीक है। तो जी बात जी ये देखें जी, आ गए हम वापस, लाइक कर दें जी, लाइक कर दें जो जो लोग देख रहे हैं। अच्छा जी सर हमारा वर्क भी चेक कर लें यार, अब जाने का टाइम हो गया, मैं दोबारा आऊंगा 10 या 11 बजे, ठीक है। मैं dafont.com से करता हूँ, गूगल फॉन्ट से करता हूँ, फॉन्ट स्क्वायर से करता हूँ। हाँ जी वो आप लोग करते नहीं कोई एक्टिविटी, अब मैं क्या करूँ वहां पे। नेक्स्ट पोर्टफोलियो जुमे को या संडे को, ठीक है, ये नेक्स्ट वीक है, फिर करूँगा इंशाल्लाह। चलें जी आज के लिए ही इतना था, फिर मिलते हैं जी, एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आपको रिप्लाई वगैरह कर दूँगा, एंड देन मिलते हैं जी 10 से 11 के बीच में, ठीक है। उस वक्त मैंने आपको डिस्कॉर्ड का जो मेरा चैलेंज है, ठीक है, अगर आपने अभी करवा सकते हैं चैलेंज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, एक तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही यार, किधर की, हाँ ये रही, ये देखें यहाँ पर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड का जो है लिंक वो भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, डिस्कॉर्ड, .ly/dapk_discords, ठीक है जी, ये रहा, ये आ गया जी मेरा नीचे नुक्कर पे यहाँ पर डिस्कॉर्ड का आपके सामने, इसको ओपन करें bit.ly/dapk_discords, तो आपको ना मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पे हम मैं वीकली चैलेंजेस देता हूँ, आप लोग कहते हैं ना अक्सर के जी सर वो हम आपको कोई आप हमें काम दिया करें हम फिर आपको बना के देंगे असाइनमेंट्स टाइप, तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये देखें जैसे क्रिएटिव चैलेंज में क्रिएटिव चैलेंज नंबर 5 आया था जिसमें हमने एक फोटोग्राफर के लिए लोगो बनाना था, और यहाँ पे लोगों ने एंट्री सबमिट करवाई हुई है, देखें ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो आज ये रात को रिव्यू करूँगा 11 बजे, और फिर हम विनर अनाउंस करते हैं यहाँ पे जिसका सबसे अच्छा होता है, ठीक है, एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो हैं ये देखें, ये लास्ट करंट चैलेंज का था ऑप्शन, अब इसमें ये वाला चल रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट टॉपिक्स पे आते हैं, तो आप लोग जो हैं इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड, एंड ये डिस्कॉर्ड का सर्वर है, ये देखें ये पढ़ाओ, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरी नेट स्पीड 25 MB और सर्विस PTCL, और क्या चाहिए। यार सीरियस ना लिया करो, ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना जी आपका काम नहीं अच्छा ये वो कात में रहा करो, तो इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, फ़र्क कराओ। मुझे खुद कुछ लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा है पिछले महीने, तो आई डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर, ठीक है, ब्लॉक देम। ओके जी फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट, PTCL, ठीक है, चलें जी फिर मिलते हैं जी दोबारा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ।